السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله। सबसे पहले हर तरह की हमद और सना, तारीफ और तौसीफ अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए लायक और ज़ेबा है, जिसके फजल व एहसान से आज की इस बाबरकत मजलिस में हम जमा हुए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ हमारे जमा होने को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद की तालीम व तालुम की इस वर्चुअल मजलिस को हमारे लिए हमारे दराजात की बुलंदी का सबब बनाए, हमारी गुनाहों की मगफरत का सबब बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको कुरान के इल्म से हमारे दिलों को मुनव्वर कर दे। अल्लाह ताला कुरान को हमारे दिलों में रोशनी पैदा करने वाला, हमारे गमों का इलाज, हमारे मसाइल का हल अल्लाह रब्बुल आलमीन बना दे। सूरह बकरा की आयत की तफसीर का सिलसिला चल रहा था पिछली आयतों में बहुत तफसील से। तहवील क़िबला यानी मुसलमानों के क़िबला की तब्दील होने को मौजू बनाया गया। आयत नंबर 151 से पहले 150 जो आखिरी आयत थी, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बताया कि अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत यह है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें क़िबले की तरफ रहनुमाई की, तुम्हारा क़िबला तब्दील किया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुमको उसके ज़रिए से हिदायत अता फ़रमाई है। अब उस आयत के पस मंज़र में फिर आगे ये बात आ रही है, कमा अरसल नाफ़ीकुम रसूलम मिनकुम, कि जैसा कि हमने तुम्हें तुम्ही में से एक रसूल भेजा। कमा जैसा कि अरसल ना हमने भेजा, अरसल ना जमा का सेगा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अकेला है लेकिन वह तावीम के लिए अपने लिए जमा का सेगा भी इस्तेमाल करता है। कमा अरसल ना जैसा कि हमने भेजा, फ़ीकुम तुम्हें, रसूलन एक रसूल, मिनकुम जो तुम्ही में से है, ऐसा रसूल, यतलू अलैकुम आयातिना जो हमारी आयतें तुम पर तिलावत करता है, वयुज़क्कीकुम तुम्हारा तज़किया करता है, वयुअल्लिमुकुमुल किताबा वल हिक्मा और तुमको किताब और हिकमत की तालीम देता है, वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तालमून और तुमको वो चीज़ें बताता है, उन चीज़ों की तालीम देता है जो तुम इससे पहले नहीं जानते थे। अल्लाह ताला तुमको वो चीज़ें बताता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको वो चीज़ें बताते हैं जो तुम इससे पहले नहीं जानते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन आयतों में एक बात फरमाई, अल्लाह ताला ने पिछली आयत में फरमाया कि किबला भी अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है। अभी आगे अल्लाह ताला फरमा रहे कि जैसे किबला अल्लाह ताला की नेमत है, वैसे ही एक नेमत ये भी है। अल्लाह ताला ने ये नेमत भेजकर भी तुम पर एहसान किया है कि अरसल नाफीकुम रसूला, हमने तुम पे तुम्हारे रसूल को भेजा, तुम्ही में से तुम्हारे दरमियान एक रसूल भेजा। जाहिर सी बात है कि अल्लाह ताला की अजीम तरीन नेमत यह है कि अल्लाह ताला ने हमको दीन हक की हिदायत देने के लिए, अपनी मर्जी बताने के लिए, जन्नत का रास्ता बताने के लिए, हमारी इस्लाह करने के लिए, हमको अंधेरों से निकाल करके रोशनी की तरफ लाने के लिए, हमको अपनी ज़िंदगी में सुधार करने के लिए, हमारी जिम्मेदारियां बताने के लिए, हमारे हुकूक बताने के लिए, हमारी हकीकत बताने के लिए अल्लाह ताला ने एक रसूल भेजा। रसूल आया तो उसने हमको अंधेरों से निकाल करके रोशनी के रास्ते पर, रोशनी का रास्ता दिखाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई की वजह से ही हमको जीने का सलीका मिला, हमको अल्लाह की मारिफत मिली, हमने अपने खालिक, अपने मालिक, अपने रब को पहचाना, हमने जाना कि हमारा खालिक मालिक राजी हमसे कैसे खुश होता है, वो कौन से आमाल हैं जो अल्लाह ताला को राजी करने के लिए किए जाने चाहिए, वो कौन से आमाल हैं जिनके करने से हमारा खालिक हमसे नाराज हो जाता है, हमारे हुकूक क्या हैं, हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, एक बच्चे का बाप पर क्या हक है, एक बाप का बच्चे पर क्या हक है, मियाँ बीवी का ताल्लुक आपस में कैसा होना चाहिए, पड़ोसियों के साथ सुलूक कैसा करना चाहिए, अपने मातहतों के साथ हमारा रवैया कैसा होना चाहिए, एक बादशाह का अपने अवाम पर क्या हक है, अवाम का बादशाह पर क्या हक है, जिंदगी के गोशे गोशे को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के जरिए से अल्लाह ताला ने मुनव्वर कर दिया। तो इस कायनात में जितनी बड़ी नेमत अल्लाह का रसूल है, उतनी बड़ी नेमत कुछ भी नहीं है। माँ बाप से भी बड़ी नेमत अल्लाह का रसूल है। अल्लाह ने फरमाया कि क़िबला भी अल्लाह ताला की नेमत है और जैसे क़िबला अल्लाह की नेमत है, वैसे रसूल भी अल्लाह की नेमत है, कि अगर रसूल ना मिले, रसूल की नेमत ना मिले, रसूल की हिदायत जिंदगी के अंदर ना आए तो हमारी जिंदगी फजूल है,
ना दुनिया में हम कामयाब हो सकते ना आखिरत में हमको निजात मिल सकती है। हम अंधेरे में थे, हमको हलाल और हराम का पता नहीं था, हमको जायज नाजायज का पता नहीं था। रसूल की हिदायत से हमको हलाल और हराम का पता चला, जायज नाजायज का पता चला, मरातिब पता चले, ताल्लुकात में किस से किस दर्जे का ताल्लुक रखना चाहिए पता चला, दोस्ती और दुश्मनी का मेयार हमको पता चला। ये सारा दीन जो है ये हमको हिदायत के ऐसे रास्ते पे लाके खड़ा कर देता है जहां हमारे लिए हर चीज जो है वो वाज़े और रोशन हो जाती है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तरक्तुकुम अलल महज्जतिल बैदा लैलुहा कनहारिहा, मैं तुमको ऐसी रोशन रास्ते पर छोड़ करके जा रहा हूँ इस दीन के रास्ते पर जिसकी रातें भी दिन की तरह है, कहीं पर कोई गुमूज नहीं है, कहीं पर कोई धोखा नहीं है, कहीं पर अंधेरा नहीं है, हर चीज हमारे लिए रोशन है। ये कैसे हुई? ये अल्लाह के रसूल सल्लम के आने से हुई। अल्लाह के रसूल सल्लम रहमत बनकर के दुनिया वालों के लिए आए, इंसानियत के लिए रहमत बनकर के आए। युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमात इलन्नूर, रसूल की ये रहमत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके जरिए से बंदों को अंधेरों से निकाल के रोशनी की तरफ लेकर गया। और ये रसूल का इतना बड़ा एहसान सिर्फ दुनिया के अंदर नहीं है, कयामत के दिन भी जब सारे ताल्लुकात खत्म हो जाएंगे, सारे रिश्ते टूट जाएंगे, सारे नाते कमजोर पड़ जाएंगे, एक ताल्लुक बाकी रहेगा रसूल का अपनी उम्मती के साथ ताल्लुक। वहां भी रसूल हमारे लिए परेशान होंगे, वहां भी रसूल हमारे लिए सिफारिश कर रहे होंगे, वहां भी रसूल हमको हौजे कौसर से जाम पिला रहे होंगे। तो इतनी बड़ी नेमत, रसूल की नेमत बिलाशुबा हमारे वालदेन की नेमत हम कितना महसूस करते हैं। एक इंसान की जिंदगी से अगर उसका वालिद चला जाए, वो अपने आप को कितना बेसहारा और कितना कमजोर और कितना कमतर महसूस करता है। किसी की जिंदगी से अगर वालिदा चली जाए और वालिदा का शफकत का साया अगर उसके सर से उठ जाए, उसको लगता है उसकी जिंदगी तारीख हो गई है, उसकी हयात में अंधेरा आ गया है। वालदेन की नेमत बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन रसूल की नेमत वालदेन से भी बड़ी नेमत है, क्योंकि हमारे वालदेन हम पर जुल्म कर सकते हैं, रसूल हम पर जुल्म नहीं कर सकते। हमारे वालदेन हमारा बुरा समझ सकते हैं, रसूल हमारा बुरा नहीं सोच सकते हैं। हमारे वालदेन से हमारा ताल्लुक कयामत के दिन बाकी नहीं रहेगा, रसूल से हमारा ताल्लुक बाकी रहेगा। वालदेन कयामत के दिन हमारी मदद करने के लिए नहीं आएंगे, अल्लाह रब के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी मदद करने के लिए आएंगे। सबसे बड़ी नेमत जो हमारी झोली में है ये कि हम अपने प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, और उम्मती होने की इस नेमत को हमको समझना चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बार बार ये बात फरमाई है कि मेरा रसूल तुम्हारे दरमियान भेजा जाना ये मेरी नेमत है। लकद मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज़बअथ फीहिम रसूलन मिन अन्फुसिहिम, अल्लाह ने एहसान किया है ईमान वालों पर कि उनमें एक रसूल बना करके भेजा उन्हीं में से। तो रसूल का भेजा जाना ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, और अल्लाह ने हमको तौफीक दे दी अगर रसूल पर ईमान लाने की। ये अरबों की दुनिया की आबादी में अगर हम चंद मुंतखब लोग, अल्लाह ताला ने हमको चुना है अपने रसूल पर ईमान लाने के लिए, हमको समझना चाहिए कि अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान हम पर है कि अरबों की दुनिया में बेशुमार लोग, बुतों को पूजने वाले, जानवरों को पूजने वाले, शर्मगाहों को पूजने वाले, जिंदा लोगों को पूजने वाले, मुर्दा लोगों को पूजने वाले, लकड़ी और पत्थरों की इबादत करने वालों में अल्लाह ने हमको, हमारे माँ बाप को, हमारी आने वाली नस्लों को, हमारे बच्चों को तौहीद के लिए, रसूल पर ईमान लाने के लिए, रसूल की उम्मत में शामिल होने के लिए चुन लिया। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है। इस एहसान का एहसास हमको बार बार करते रहना चाहिए और इस एहसास की तजदीद करते रहनी चाहिए, इस एहसास को ताज़ा करते रहना चाहिए कि जितनी नेमतें अल्लाह के नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको दी है, प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होना उन तमाम नेमतों में सबसे बड़ी नेमत है। अल्लाह ने आगे पिछले आयत में फरमाया, वलियुतिम्मा नेमती अलैकुम, हमने अपनी नेमत तुम पर तमाम की क़िबला की तरफ हिदायत करके, और अपनी नेमतें तुम पर इस तरह भी तमाम की कि अपना एक रसूल तुम्हें भेजा, रसूलम मिनकुम, और रसूल भी कौन, जो तुम्ही में से। तो रसूल होना भी एक नेमत है और रसूल हमी में से बनाया गया, हमी में से, हम यानी हम इंसानों में से एक इंसान को अल्लाह ने रिसालत के मर्तबे पर सरफराज किया। ये भी अल्लाह ताला की नेमत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों में से एक इंसान को रसूल बनाया है, क्योंकि क्योंकि अगर इंसान के बजाय किसी फरिश्ते को रसूल बना दिया जाता तो बड़ा मसला खड़ा हो जाता। रसूल तो उम्मत के लिए आइडियल होता है, अगर फरिश्ते को इंसानों के लिए आइडियल बना दिया जाए तब तो बड़े मसाइल आ जाएंगे, तब तो बड़ी जो है वो परेशानियां आएंगी कि इंसान फरिश्तों की तरह तो बनके नहीं खा सकता, फरिश्ते खाना नहीं खाते, हमको खाना खाना है, तो फरिश्ता हमारे लिए आइडियल कैसे हो सकता? फरिश्ते शादियां नहीं करते, हमको शादियां करनी है, फरिश्ता हमारे लिए आइडियल नहीं हो सकता। फरिश्तों की बीवी नहीं होते, बच्चे नहीं होते, हमारी बीवी बच्चे होते हैं,
हमको अपनी बीवी बच्चों के साथ कैसे सुलूक करना है हमको कैसे पता चलता है, अगर कोई फरिश्ता आइडिया होता तो हमारे वालदैन होते हैं, फरिश्तों के वालदैन नहीं होते, अपने वालदैन की खिदमत इताअत कैसे करनी हमको कैसे पता चलता। फरिश्ता इंसान के लिए आइडियल नहीं हो सकता। अगर फरिश्ता रसूल बना करके भेजा जाता और हमसे ये तकाजा किया जाता कि इस फरिश्ते की तरह बन करके दिखाओ, तब तो बड़े मसाइल आते, तब तो ये शरीयत बहुत मुश्किल हो जाती। कि अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों में से एक इंसान को रसूल बना करके भेजा और कहा ये इंसान एक आइडियल इंसान है, तुमको इस इंसान की तरह बनने की कोशिश करनी है, अपनी जिंदगी को इस इंसान की सीरत के सांचे में ढालने की कोशिश करनी है, हर हर कदम पर तुमको नबी की सीरत में रहनुमाई मिलेगी। वरना अगर फरिश्ता होता तो फरिश्ता उसकी सीरत में हमारे लिए क्या रहनुमाई होती, उसकी जिंदगी हमारी जिंदगी से मुख्तलिफ, उसकी बायोलॉजी हमारी बायोलॉजी से मुख्तलिफ, उसका जीना उसकी जिंदगी के तमाम पहलू हमारे पहलुओं से मुख्तलिफ। तो सिर्फ रसूल ही नेमत नहीं है, नेमत ये भी है कि हम ही में से एक रसूल बना करके भेजा। और वो रसूल क्या करते हैं, यतलू अलैकुम आयतिना, सबसे पहला काम हमारी आयतें तुम पर तिलावत करते हैं। इस तरह की कैद पिछली भी गुजर चुकी, इसलिए बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। रसूल का पहला काम क्या है, अल्लाह की आयतें जैसी सुनी वैसी उम्मत तक के पहुंचा दे। ये सबसे बड़ा काम है, ये सबसे अहम तरीन काम है। और रसूल तिलावत करते हैं, ऐसा नहीं कि लिखी हुई कोई चीज थी वो उम्मत को पकड़ा दी। रसूल ने कुरान पढ़ करके सुनाया कि कुरान कैसे पढ़ना है, पढ़ करके सुनाया कि कुरान कैसे पढ़ना है। सहाबा ने कोई लिखी हुई चीज अल्लाह के नबी सस्तम से हासिल नहीं की, नबी से कुरान सुना और कुरान सुन करके नबी से कुरान पढ़ा। यतलु अलैकुम आयतिना, हमारी आयतें तुम पर तिलावत करता है और बगैर किसी का मौकास्त के तिलावत करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी अमानतदारी के साथ अल्लाह ताला का कलाम अपनी उम्मत तक के पहुंचा दिया, उसमें कोई कमोबेशी नहीं की। पहला काम यह है, सबसे जरूरी काम यह है कि अल्लाह ने जो पैगाम हिदायत की शक्ल में कुरान मजीद भेजा था वो उम्मत तक पहुंचा दो। और ये बहुत बड़ा काम है, ये बहुत बड़ी अमानतदारी का तकाजा था। और ये बहुत बड़ा, यानी कुरान खुद अपने आप में, कुरान खुद जो है वो अपने आप में बहुत बड़ी नेमत है, बल्कि सबसे बड़ी नेमत। अल्लाह ताला ने सूरह रहमान में देखिए सारी नेमतों का जिक्र किया है, पर सबसे पहले कुरान की नेमत का जिक्र किया। बहुत सारी नेमतें सूरह रहमान में जिक्र की गई। हर नेमत के बाद अल्लाह ताला ने सवाल किया, क्या तुम अल्लाह के इस एहसान का कैसे इनकार करोगे, और किन किन एहसानात का इनकार करोगे। इतने सारे एहसानात में सबसे पहला एहसान क्या है, दिलाए अर-रहमान अल्लमल कुरान, रहमान है जिसने कुरान का इल्म दिया। और ये कुरान का इल्म किसके जरिए से दिया, रसूल के जरिए से दिया। ये रसूल का कितना बड़ा एहसान है कि अल्लाह की जो सबसे बड़ी नेमत थी कुरान, वो इस रसूल के जरिए से हमको मिली। रसूल ने बगैर किसी का मौकास्त के अल्लाह का पैगाम, अच्छा पैगाम अहम होता है तो उसको पहुंचाने की जिम्मेदारी भी बहुत अहम आदमी को दी जाती है ना। जैसे जो सीक्रेट सर्विसेज होती हैं जो चलती हैं मुल्कों में, कोई बहुत अहम पैगाम आपको पहुंचाना होता है तो आप वही अमानतदार और समझदार इंसान के इंतखाब करके, क्योंकि ये पैगाम बहुत अहम है, किसी के भी हाथ से नहीं पहुंचाया जा सकता। इस कायनात में अल्लाह की सबसे अजीम तरीन किताब कुरान मजीद थी, और उस अजीम तरीन किताब को पहुंचाने के लिए, सिर्फ पहुंचाने के लिए नहीं, एक्सप्लेन करने के लिए भी अल्लाह ताला ने किसका इंतखाब किया, रसूल का इंतखाब किया। इससे रसूल की अजमत समझ में आती है ना, कि कोई आम इंसान, कोई ऐसा ही इंसान नहीं था जिसको अल्लाह ताला ने मुंतखब कर दिया हो। जाहिर सी बात है इतना अजीम पैगाम, इतनी बड़ी दुनिया, यानी आने वाली सारी इंसानियत तक को पहुंचाना था, उनके लिए एक्सप्लेन करना था, तो किसी आम इंसान का इंतखाब तो नहीं हो सकता था। ये कुरान कोई एक कौम एक कबीले की तरफ भेजी गई किताब नहीं थी, जैसे तौरात और इंजील बनी इसराइल के लिए नाजिल की गई थी, वैसे ये किताब महज किसी एक कबीले एक खानदान एक नस्ल के लिए नहीं थी। ये किताब तो रहती दुनिया तक के लोगों के लिए हिदायत का सामान थी। हजरत आदम, हजरत इंसान की औलाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत बात, आखिरी जो इंसान पैदा होगा उस इंसान की हिदायत भी अल्लाह ताला ने इसी किताब की इत्तिबा में रखी थी। इतनी बड़ी इंसानियत की हिदायत के लिए जो किताब भेजी गई, तो कोई आम से इंसान के हाथ में तो नहीं दे दी जाती कि जाओ तुम पैगाम पहुंचा दो। तो अल्लाह ने इसलिए कायनात के सबसे अजीम तरीन इंसान का इंतखाब किया इस किताब को इंसानियत तक पहुंचाने के लिए। कि कुरान की अजमत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत की दलील है कि कोई आम इंसान नहीं हो सकता। अल्लाह ताला किसी को भी अपना कलाम दे करके उसको पहुंचाने और उसको एक्सप्लेन करने की जिम्मेदारी नहीं दे सकता था, क्योंकि कुरान अल्लाह का सबसे अजीम कलाम है। लिहाजा उसको पहुंचाने और उसकी वजाहत और तफसीर करने, उसके एक्सप्लेन करने के लिए इंसानियत के जखीरे में सबसे आला तरीन इंसान को चुना गया। इसलिए अब्दुल्लाह इब्ने मसूद फरमाते हैं अल्लाह ताला ने सारे इंसानों के दिलों को देखा, सबसे प्यारा सबसे अच्छा सबसे अफजल दिल अल्लाह के नबी का था, तो अल्लाह के नबी को अपने लिए चुन लिया और अपना पैगाम दे करके पैगंबर बना करके रसूल बना करके भेज दिया। तो हजरत
अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की अजमत इस बात से भी साबित होती है कि अल्लाह ताला ने उनको अपनी किताब की तालीम देने के लिए भेजा। यहाँ रुक करके एक और नुक्ते पे गौर करें, आगे अल्लाह ताला ने फरमाया और भी जिम्मेदारियां रसूल की बताई, रसूल तस्किया भी करता है, रसूल किताब सिखाता भी है, रसूल हिकमत भी सिखाता है, बहुत सारी बातें जो तुमको नहीं पता है वो रसूल बताता है। लेकिन हर चीज से पहले तिलावत किताब का जिक्र किया गया कि रसूल जो है वो क्या करता है, अल्लाह का कलाम तिलावत करता है। पता ये चला कुरान की तालीम में सबसे पहली तालीम है तिलावत, कुरान की शुरुआत तिलावत से होनी चाहिए। नुक्ता मैं ये बयान कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतनी सारी कुरान मजीद के मामलात बयान किए, सारे मामलात में अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस चीज का जिक्र किया, हर हु कुरान मजीद के सारे मामलात में सबसे पहले कुरान की तिलावत। समझ में आया, सबसे बेसिक जो कुरान से हमारा ताल्लुक होना चाहिए उसकी शुरुआत, यानी एक कुरान मजीद के साथ हमारे ताल्लुक की बुनियादी पहली ईंट क्या होनी चाहिए, तिलावत। तिलावत सही होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा मसला हमारे दौर का है कि कुरान के जो दूसरे हुकूक हैं, कुरान को समझना, कुरान की तफसीर को समझना, कुरान में तदब्बुर करना, कुरान को अपनी दावत की बुनियाद बनाना, कुरान के अहकाम पे अमल करना, ये सब तो बाद में, पहला तो ये होना चाहिए कि कुरान मजीद सही से तिलावत करना है हमको। लेकिन अगर मैं बहुत मोहतात अंदाजे के मुताबिक भी बोलूं, खासतौर पर हमारे जो बर्रे सगीर हिंदो पाक का माहौल है, 90% लोग, 90% लोग अभी कुरान की तिलावत सही से नहीं करना जानते, सही से तिलावत नहीं कर पाते, कुरान के जो तिलावत के हुकूक है वो अदा करना नहीं जानते। तजवीद के साथ जो हरूफ के सिफात होते हैं, मखारिज होते हैं, उनकी रियायत करते हुए जो बेसिक तजवीद के कवायद होते हैं, मैं नहीं कह रहा कि हर आदमी कारी बन जाए, बेसिक तजवीद के कवायद तो पता होने चाहिए, लेकिन देखने में ये आता है कि आवाम तो आवाम, अच्छे खासे मदारिस के फारिगीन के पीछे नमाज पढ़ी जाए तो दिमाग खराब हो जाता है, इतनी बड़ी बड़ी लहने जली, बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं कि कुरान मजीद कभी कभी डर लगता है ऐसे पढ़ने वालों से कि कहीं इनको कुरान पढ़ने का गुनाह ना मिल रहा हो, इतनी सरी और इतनी वाजे गलती करते हैं। देखिए, एक आदमी अपनी कोशिश कर रहा है पूरे तौर पर, वो कुरान मजीद को सीख रहा है, वो तजवीद के कवायद सीख रहा है, वो एक हाफिज की को का से काम लेकर के अपना कुरान सही करने की कोशिश कर रहा है, फिर भी उससे कहीं गलती हो जा रही है तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उसका मुआखजा नहीं करेगा। लेकिन एक आदमी, उसने जानबूझ करके कुरान को वक्त ही नहीं दिया, तजवीद सीखने की कोशिश ही नहीं की, उसने तजवीद को कोई अहमियत ही नहीं दी, अल्लाह ताला ने इस जमाने में इतना आसान कर दिया तजवीद का पढ़ना कि शायद ही कोई मुस्लिम इलाका हो जहां पर तजवीद की क्लासेस ना होती हो, बल्कि इंटरनेट के इस दौर ने तो ऑनलाइन तजवीद की इतनी क्लासेस होती है अल्हम्दुलिल्लाह, और खासतौर पर खवातीन तो बहुत बड़ी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह तजवीद की उन क्लासेस से इस्तेफादा कर रही है। ऐसे दौर में भी अगर एक आदमी अपनी जहालत पर मुसिर है, इल्म हासिल करने के इतने जराए होने के बावजूद उसने तजवीद सीखने को अहमियत ही नहीं दी और जानबूझकर, यानी ये तो तसाहुल हो गया, ये तसाहुल हो गया, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के हक को ना समझना हो गया, अल्लाह ताला के हक में कोताही करना हो गया, तो अपनी कोताही की वजह से अगर वो कुरान गलत पढ़ रहा है तो बहुत मुमकिन है कि वो गुनहगार हो और अल्लाह ताला उसका मुआखजा करे कि तुमने मेरी किताब को हक क्यों नहीं दिया। पहला हक तो ये था कि कुरान मजीद सही से तिलावत किया जाता। मैं फिर से ये बात कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि आदमी जो है वो एकदम अच्छा सा कारी बन जाए, पर इतना तो तजवीद सीख ले, इतना तो कवायद वो जान ले कि जो बेसिक चीजें हैं पता चल जाए, बड़ी गलतियां ना हो, सिफात जो होते हैं हरूफ के, मखारिज, उनको तो सही से अदा कर ले, क्योंकि मखारिज गलत अदा करने से ये होता है कि कलिमात के माना तब्दील हो जाते हैं, अल्लाह कहे कुछ और रहा होता है, आप जबान से जो अदा कर रहे होते हैं उसके कुछ और माने होते हैं। तिलावत को अहमियत दीजिए, यानी एक मसला तो ये है कि हमारे यहाँ सही से तिलावत करने वाले लोग बहुत कम हैं, और मैं इस मामले में खास तौर पे खवातीन को तो बहुत अप्रिशिएट करूंगा कि हमारे यहाँ जो थोड़ी बहुत तवज्जो जो है दिखाई दे रही है वो अल्हम्दुलिल्लाह खवातीन में दिखाई दे रही है। बड़ी तादाद में मैं जानता हूँ ऐसी खवातीन जिनका बैकग्राउंड बल्कि मदरसे का नहीं है, कॉलेज से पढ़ी हुई, यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई, लेकिन कुरान की तिलावत पर मेहनत करती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद सही से पढ़ना सीख जाती हैं, बल्कि इनके मुकाबले में बहुत सारे मदारिस के फारिगीन, क्योंकि हमारे यहाँ पर तजवीद के को इतना अहमियत देने का मिजाज ही नहीं है, तो बाद मरतबा बहुत सारे मदारिस में भी उसको अहमियत नहीं दी जाती और मदारिस के फारिगीन तक, हत्ता कि मदारिस की फारिगात आलिमा तक के गलत कुरान पढ़ रही होती हैं और बहुत मजहूल कुरान पढ़ती हैं, बहुत सारे जो है वो सिफात और मखारिज में गलतियां करती हैं। अल्लाह ताला हम पर रहम का मामला फरमाए। तो थोड़ी बहुत जो एक बेदारी दिखाई दे रही है वो सिर्फ खवातीन में दिखाई दे रही है,
मर्द हजरात को दुनिया भर के फजूल कामों के लिए उनके पास वक्त है, वो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर चार चार घंटे लगा सकते हैं। तजवीद की आप आधे घंटे की नहीं तो 15 मिनट की भी अगर लोग क्लास ले लें तो इंशाअल्लाह ताला 2-4 महीनों में इतनी तजवीद आप सीख लेंगे कि कम से कम कुरान आप गलत ना पढ़े। तो तजवीद को हमारे यहाँ कोई अहमियत नहीं दी जाती है, हमारे यहाँ समझा जाता है तजवीद सीखना उलमा का काम है, बल्कि ये समझा जाता है कि उलमा का भी काम नहीं है, ये हुफाज का काम है तजवीद सीखना। तो तजवीद के बेसिक कवायद जानना ताकि आप कुरान सही पढ़े, कम से कम लहने जली ना हो, बड़ी गलतियां ना हो जिनसे कुरान के मानी तब्दील हो रहे, इतना हर मुसलमान पर वाजिब। तो तिलावत से आगाज हुआ है और हमारे यहाँ सबसे ज्यादा कोताही तिलावत ही में होती है, बल्कि जिनको कुरान पढ़ना ही आता है उसमें आप देखिए कितने लोग हैं जो कुरान मजीद पढ़ने वाले हैं, तिलावत जिनका मामूल है, जो सुबह शाम एक वक्त मुकर्रर करके रखते हैं, भाई आप एक पारा नहीं पढ़ सकते, आधा पारा पढ़िए, पांव पारा पढ़िए, लेकिन आप देखिए वो जो एक मुस्लिम मुआशरे और सोसाइटी में एक मिजाज था, रिवाज था, रिवायत थी कि घरों में जब तक ये कुरान की तिलावत नहीं होती थी चूल्हे नहीं जला करते थे, ये रिवाज था, ये रिवायत मुस्लिम मुआशरे की थी। अब सूरत हाल ये है कि बहुत कलील तादाद में ऐसे लोग हैं, मैं दीनदार लोगों की बात कर रहा हूँ, बेदीन आदमी जो नमाज ही नहीं पढ़ता, जो रोजे नहीं रखता, जो गुनाहों में मुलव्वस है, उससे क्या तकाजा किया जाए, दीनदार घरानों में भी तिलावत को अपने मामूल में शामिल करने का मिजाज नहीं रह गया। एक एक वक्त मुतय्यन पर कुरान मजीद की तिलावत करना, रोजाना कुछ ना कुछ कुरान मजीद पढ़ना, एक मुसलमान का कुरान के साथ बेसिक ताल्लुक तो तिलावत से ही बनता है। बल्कि हमारे यहाँ एक तबका जो कुरान की तफहीम और कुरान की तफसील और कुरान के मानी में गौर व फिक्र और कुरान की तदब्बुर की बड़ी बड़ी बातें करता है, वो भी जो है ना वो कुरान की तिलावत के हवाले से एक मनफी रुख अपना करके रखता है और तिलावत करने वालों की तिलावत को एक तहकीर की नजर से देखता है कि तिलावत करना बगैर माना समझे हुए। अल्लाह के बंदो, पहला ताल्लुक कुरान से जो बनता है वो तिलावत से ही बनता है, जो तिलावत ही नहीं कर रहा वो आगे के मरहले कैसे तय करेगा। पर एक तो इतना तहकीर बाज लोग करते हैं कुरान की तिलावत का, गोया कि कुरान की तिलावत बगैर समझे हुए कोई गुनाह है, हालांकि कुरान मजीद अल्लाह की ऐसी किताब है जिसको बगैर समझे भी पढ़ने पर अल्लाह रब्बुल आलमीन अजर देता है। अलिफ लाम मीम जो अजर के मुतालिक हदीस है उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलिफ लाम मीम की मिसाल पेश की जिसका माना हमको समझ में नहीं आता, लेकिन अल्लाह फिर भी अलिफ पर 10 अजर देता है, लाम पर 10 अजर देता है, मीम पर कम से कम 10 अजर देता है। तो ये तिलावत करने का मामूल हमारे मुआशरे से खत्म हो गया है। सहाबा का मामला ये था कि मतलब कम अज कम सलफ के यहाँ पर कम अज कम एक महीना किसी के साथ नहीं गुजरता था कि कुरान मजीद उसका खत्म ना हो, एक महीना एक लास्ट वो था। बल्कि आप देखिए ना, बाद सहाबा कहते हैं कि मैं हफ्ते में खत्म कर सकता हूँ, मैं 3 दिन में खत्म कर सकता हूँ, 3 से कम में खत्म करना चाहता हूँ। सहाबा तकाजा करते थे कि मैं 3 दिन से कम में कुरान खत्म करना चाहता हूँ, अल्लाह के रसूल ने मना कर दिया कि 3 दिन से कम में जिसने कुरान खत्म किया उसने कुरान को समझा ही नहीं, मना कर दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सहाबा के माशरे में कुरान ऐसा राइज था, उसकी तिलावत ऐसा मामूल थी कि कुरान की तिलावत जो है ना वो वक्त को नापने का एक पैमाना बन गया था, एक मेयार बन गया था। नहीं, आप बहुत सारी हदीसों में देखेंगे कि फला काम से फला काम में कितना टाइम लगता था, जितना 50 आयतें पढ़ने में लगता हो, जितना 10 आयतें पढ़ने में टाइम लगता है, जितना 20 आयतें पढ़ने में टाइम लगता है। आपको बहुत सारी हदीसों में टाइम की पैमाइश सहाबा ने है तिलावत से करते थे, टाइम की पैमाइश की इसका, जैसे जैसे रिवायत में आता है कि अल्लाह के नबी ने फजर की नमाज के बाद सहरी की और फजर की नमाज पढ़ी और दोनों के दरमियान हजरत अनस गालिबन फरमाते कि 50 आयतों की तिलावत का वक्फा था। टाइम की पैमाइश कब बताइए, टाइम किसी चीज को टाइम की पैमाइश का मेयार कब बनाया जाता है, जब वो चीज मामूल में हो। हमारे माशरे में अगर आप बोल दें कि आप थोड़ा सा इंतजार करिए मैं इतने देर में आता हूँ, जितने टाइम में 50 आयतें पढ़ने में टाइम जितना लगता है, किसी को समझ में आएगा? हाँ, जब वो पढ़ता ही नहीं कुरान तो उसको क्या समझ में आएगा कि 50 आयतें पढ़ने में कितना टाइम लगता है। पर सहाबा क्या तिलावत इतना मामूल की बात थी कि अगर किसी से कह दिया जाए कि इतना देर नहीं है, इतना देर अल्लाह के नबी सल्लम जो है वो फासला करते थे जितने में 50 आयतें पढ़ ली जाए, तो समझ में आ जाता था कि 50 आयतें पढ़ने में इतना टाइम लगेगा। तो तिलावत पर जोर देना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ तिलावत पर उतना जोर नहीं दिया जा रहा जितना कुरान को समझने पर जोर दिया जा रहा है, हालांकि बेसिक पहली ईंट जो है कुरान से ताल्लुक की वो क्या है, कुरान की तिलावत। रसूल ने इसलिए, अल्लाह ताला ने सारी चीजों में सबसे पहले कुरान की तिलावत को मामूल पे रखा। और तिलावत भी अल्लाह के नबी हम कैसी करते थे, कुरान खाक अदा करते हुए, वही की कुम और रसूल तुम्हारा तजकिया करता है। तजकिया करने का दो माना होता है, तजकिया असल में अरबी में दो, जका जो है जका का लफ्ज, ये दो मानों में इस्तेमाल होता है। एक माना होता है पाक करना, साफ करना, क्लियर करना, और एक माना होता है बढ़ाना। हाँ, इसलिए आप देखिए जकात को, ये जकात का जो लफ्ज आता है ना, वो जकात भी जो है वो तजकिया से ही बना है, जका से ही बना है, उसका भी रूट वर्ड यही है।
तो जकात में पाक करने के माना भी आते हैं, क्योंकि आप जब अपने माल से जकात निकाल देते हो क्या होता है, आपका माल पाक हो जाता है। और जकात के माने बढ़ाने के भी होते हैं, क्योंकि जब आप जकात देते हैं तो आपका माल घटता नहीं है बल्कि बढ़ जाता है, अल्लाह ताला के यहाँ पर अल्लाह उसमें बरकत पैदा कर देता है। तो तज़किया करता है किस चीज़ का, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के नुफूस का तज़किया करते थे, उनके अखलाक को इम्प्रूव करते थे, बढ़ाते थे, उनके किरदार को बढ़ाते थे। कैसे तज़किया? सबसे बड़ा तज़किया तो यह है कि बंदे से, उसके किरदार से, उसके आमाल से शिर्क की गंदगी को निकाल दिया जाए। सबसे अहम पाकी का सबसे बड़ा जरिया क्या है? शिर्क से पाक करना, अकीदे को, आमाल को, अखलाक को, मिजाज को, जहनीयत को शिर्क से पाक कर देना। अल्लाह के नबी ने सबसे बड़ा काम ये किया, अकीदे को भी शिर्क से पाक किया, आमाल को भी शिर्क से पाक किया, हत्ता कि बारीक से बारीक शिर्क का साइबा जो है ना वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के अंदर नहीं रहने दिया। बारीक सी भी कोई चीज हो सकती थी शिर्क से मुतालिक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी जड़ से निकाल दिया। और ये खालिस मोहिदाना मिजाज, तौहीद वाला मिजाज वो अपने सहाबा का बनाया। यानी किसी सहाबी ने कह दिया माशा अल्लाह वशीद कि अल्लाह के रसूल जो आप चाहें और अल्लाह चाहे, जो अल्लाह चाहे और आप चाहें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी सी भी चीज बर्दाश्त नहीं की। फरमाया अजअलतनी लिल्लाहि निद्दा, तुमने मुझे अल्लाह के बराबर कर दिया। कुल बल माशा अल्लाह वादा, ये कहो अल्लाह के लिए जो चाहेगा वो होगा, मेरी मशीयत क्या है, अल्लाह के चाहने से होता है। एक सहाबी ने कह दिया वमन यअसीहुमा फकद गवा, कि जो अल्लाह, जो इन दोनों की यानी अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी करे वो गुमराह हो गया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिसल खतीब अंत, बहुत बुरे खतीब हो तुम, तुमने मुझको और अल्लाह को एक सेगे में, एक सीगे में जमा कर दिया। वमन यअसीहुमा, ऐसा मत कहो बल्कि कहो वमन यअसील्लाह व रसूला, जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला तज़किया तो ये किया कि अकीदे और अखलाक और किरदार, हत्ता की जो जबान थी उससे भी शिर्क में कहीं कोई उसकी गंदगी दिखाई दी उससे पाक किया। फिर शिर्क के अलावा कुफ्र से, बिदअतों से, बुरे अखलाक से, हर चीज से सहाबा को पाक करके एक कायनात के पाकीजा तरीन मुआशरे का एक मिसाली मुआशरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम करके दिखाया। सबसे आला तरीन मुआशरा, अखलाक में भी आला, अकीदे में भी आला, आमाल में भी आला, एक ऐसा मुआशरा, एक ऐसा समाज, अफराद की ऐसी जमात की कायनात में कभी ऐसे पाकीजा लोग देखे ही नहीं है। इनसे ज्यादा बेहतर लोगों पर कभी सूरज तुलू ही नहीं हुआ है, ये सहाबा की जमात। पहला अल्लाह के नबी ने ये काम किया, तस्किये का काम। वो युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिक्मा, और रसूल तुमको किताब और हिकमत की तालीम देता है, किताब और हिकमत का इल्म देता है। रसूल सिर्फ कुरान, रसूल सिर्फ कुरान पढ़ाता सुनाता नहीं है, रसूल कुरान को सिखाते भी हैं। रसूल सिखाते हैं कुरान को लफजन भी सिखाते हैं, और मानन भी सिखाते हैं, और अमलन भी सिखाते हैं। जो कहा तालीम किताब, तो तालीम किताब कैसे की? लफ्ज भी अल्लाह के नबी सल्लम ने सिखाए, तजवीद मखारिज कैसे अल्फाज को अदा करने हैं, कौन सा जुमला कैसे अदा करना है, अल्लाह के नबी सल्लम ने पढ़ करके सुनाया, लफ्जन भी तालीम दी और उसके मानी भी बताए, सहाबे के नाम को बाकायदा बताया किस लफ्ज का क्या माना है। सहाबा में किसी को कुछ समझ में नहीं आया, वैसे तो उनकी जबान अरबी थी तो कुरान मजीद का बेशतर हिस्सा तो जबान से वो समझ जाते थे, लेकिन अगर कहीं समझने में दिक्कत पेश आई तो अल्लाह के नबी हमसे आकर के सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी ने मानी भी बताए। अल्लाह के नबी सल्लम ने बताया जब फरमाया गया कि हर आदमी जो जुल्म नहीं करेगा उसके लिए क़यामत के दिन अमन है, तो सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी सल्लम हम में से तो हर आदमी जुल्म करता है, तो अल्लाह के रसूल ने बताया कि यहाँ जुल्म से कौन सा जुल्म मुराद है। एक सहाबी थे, उनको जब कुरान मजीद में बताया गया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सफ़ेद दागा काले दागे से वाजी हो जाए, उस वक्त तुम रोज़ा शुरू करो, सहाबा को नहीं समझ में आया, एक सहाबी से गलती हो गई, अल्लाह के रसूल के पास आए, अल्लाह के रसूल ने उसका माना समझाया, लफ्ज़ की भी तालीम दी, माना की भी तालीम दी, और उसके साथ साथ उसके उसको अमलन करके दिखाया। अल्लाह ताला ने फरमाया नमाज पढ़ो, रसूल ने अमलन नमाज पढ़ करके दिखाया कि नमाज कैसे पढ़नी है। अल्लाह रसूल ने फरमाया अतीमुल हज वल उमरा लिल्लाह, हज और उमरा अल्लाह के लिए करो, रसूल ने अमलन हज और उमरा करके दिखाया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी जो हमारे यहाँ मुनकिरीन हदीस का एक तबका है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यह अकीदा रखता है कि बस अल्लाह के रसूल ने कुरान की किताब अल्लाह से लेकर के हमको दे दी, बस अल्लाह के रसूल की हैसियत दाखिए की थी, अल्लाह के रसूल ने पहुंचा दिया कुरान, अब अल्लाह के रसूल का काम खत्म हो गया, अब हम अपनी मर्जी से कुरान समझेंगे, हमको रसूल की हदीसों की तरफ देखने की जरूरत नहीं है,
हम खुद कुरान समझ सकते हैं, नऊजु बिल्ला अल्लाह के रसूल से अच्छा कुरान समझ सकते हैं। यानी मुनकरीने जो मुनकरीने हदीस होते हैं, हदीस का इनकार करने वाले, अगर वो जबान से ना भी बोले तो उनका मनहज तो यही है ना कि वो कुरान की किसी आयत के हवाले से कहते हैं कि कुरान की इस आयत का ही मतलब है, और ऐसा मतलब बताते हैं जो रसूल ने नहीं बताया। वो सलात का एक माना बता रहे जो रसूल के बताए हुए माना से अलग है, वो जकात का एक माना बता रहे जो रसूल के बताए हुए माना से अलग है। अब वो क्या कहते हैं कि भाई रसूल की जो तशरीह और तफसीर है वो तो काबिल कबूल नहीं होना चाहिए तुम्हारे लिए। कुरान की आयत की जो तफसीर रसूल ने की, हदीसों में जो तफसीर मौजूद है उनको तो वो नहीं मान रहे क्योंकि हदीसों का इनकार कर रहे हैं। हाँ, हम कुरान की जो तफसीर कर रहे हैं वो तुम मान लो। उनका दावा क्या है कि गोया कि वो रसूल से ज्यादा कुरान को समझने वाले हैं, रसूल से ज्यादा कुरान की वजाहत उनके समझ में आती है, तो रसूल की तफसीर तो नहीं कबूल करेंगे। हाँ, हम जो तफसीर कर रहे हैं वो कबूल करो। कितनी बुरी बात है ये बात कोई कम अक्ल, बद अक्ल, गुमराह शख्स ही कह सकता है कि रसूल को कुरान तो नहीं समझ में आया। हम कुरान, रसूल कुरान पढ़ते भी थे, रसूल कुरान समझाते भी थे, रसूल ने कुरान की तफसीर की। कुरान के सबसे पहले मुफस्सिर खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और अल्लाह के रसूल ने जो कुरान की तफसीर की वो अपनी तरफ से नहीं की, वो भी अल्लाह ताला की तरफ से आने वाले इल्म की बुनियाद पर अल्लाह के, अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगरानी में की। रसूल ने जो कुरान की तफसीर की है, जो हदीसों में मौजूद है, हदीसें क्या है, कुरान की तफसीर है, और ये तफसीर अल्लाह के रसूल ने अपनी तरफ से नहीं की बल्कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आने वाले इल्म की बुनियाद पर की, अल्लाह के रसूल की निगरानी में, अल्लाह की निगरानी में की। रसूल से कोई गलती इस मामले में नहीं हो सकती थी क्योंकि कुरान की तफसीर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की निगरानी में कर रहे थे, कहीं कोई गलती हो जाती तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जरूर उस पर अल्लाह के नबी को तंबीह करता। देखिए कैसे वो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, इन्ना अलैना जमअहू व कुरआना फइज़ा क़रअनाहू फत्तबि कुरआना थुम्मा इन्ना अलैना बयाना। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम आप पर कुरान नाजिल करें तो आप कुरान पढ़ें, कुरान की इत्तबा करें, कुरान को जमा करना हमारी जिम्मेदारी है, और उसके बाद थुम्मा इन्ना अलैना बयाना, इस कुरान मजीद को बयान करना, इस कुरान मजीद की वजाहत करना भी हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ रसूल, इस कुरान की वजाहत और इसकी तफसीर और तबीन करना भी हमारी जिम्मेदारी। तो रसूल ने जो कुरान मजीद को एक्सप्लेन किया वो भी अल्लाह ताला की तरफ से किया। तो रसूल की हैसियत महज किसी दाकी की नहीं है, वल हिक्मा, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ किताब ही नहीं सिखाते, अल्लाह के रसूल हिकमत भी सिखाते हैं। हिकमत का मतलब होता है विजडम, हिकमत का मतलब होता है लॉजिक। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताब के अलावा भी हिकमत सिखाई, और ये हिकमत क्या थी, ये अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई अपनी तरफ से नहीं कर ली, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये हिकमत भी रसूल पर नाजिल की। अल्लाह के नबी ने फरमाया, उतीतुल कुरान व मिस्लुहु मा, मुझको कुरान दिया गया और कुरान के साथ एक चीज और कुरान जैसी दी गई, वो क्या है, हिकमत है। वो हिकमतें कहाँ है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में है। हाँ, अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम पर किताब भी नाजिल फरमाई और हिकमत भी नाजिल फरमाई। और इससे भी उन लोगों का रद्द होता है जो ये कहते हैं कुरान हमारे लिए काफी है। मुनकरीन हदीस का एक दावा क्या है, कुरान हमारे लिए काफी है, बगैर अल्लाह के नबी की हदीसों को इस्तेमाल में लाए हुए, बगैर अल्लाह के नबी सल्लम की हदीसों की तफसीर को अखज़ किए हुए, महज कुरान बंदे के लिए काफी नहीं है, उसको हिकमत की भी जरूरत है। अल्लाह ने सिर्फ कुरान नहीं नाजिल किया, अल्लाह ताला ने हिकमत भी नाजिल की। हिकमत क्या है, पूरा हदीस हिकमत है, हदीस में जो कुछ भी बयान हुआ कुरान की तफसीर में वो सब का सब हिकमत है। अल्लाह के नबी ने सल्लम ने हिकमत में एक चीज़ें भी बताई कि मुख्तलिफ अहकाम जो अल्लाह ताला ने दिए उन अहकाम के पीछे क्या हिकमतें, विजडम क्या है, वो भी अल्लाह के रसूल सल्लम ने बताया। बाज़ मरतबा सबसे बड़ा विजडम तो ये था कि अल्लाह उसके रसूल ने कोई हुक्म दे दिया, वो खुद अपने आप में एक हिकमत है, अल्लाह ने कह दिया, रसूल ने कह दिया, उसको मान लेना चाहिए क्योंकि रसूल का हर कलाम, अल्लाह ताला का हर कलाम हिकमत पर मबनी होता है। और फिर पूरी जो बातें अल्लाह के नबी सल्लम ने बताई हैं वो सब की सब क्या हिकमत है, पूरा एक जो निज़ाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है इस्लाम की शक्ल में, शरीयत जो दी है, एक लाइफ स्टाइल और एक और वे ऑफ लाइफ जो हमको अल्लाह और उसके रसूल से मिलती है, ये सब की सब हिकमत है। हिकमत का मतलब ही क्या होता है, हर चीज़ को उसकी सही जगह पे रखना। अल्लाह के रसूल के आने से पहले चीज़ों को उनके हकूक नहीं दिए जाते थे, हर चीज़ उसकी सही जगह पर नहीं थी, बच्चियाँ पैदा होती थी कत्ल कर दी जाती थी, इबादतों का कोई निज़ाम नहीं था, काबतुल्लाह का नंगे होकर के तवाफ़ किया जाता था, औरतों को उनकी विरासत में हिस्सा नहीं दिया जाता था, हर 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 तबका मजलूम था, यतीमों का माल खा जाते थे लोग, बदकारी आम थी, लौंडियों को अपनी बदकारी करा करके लोग उसका पैसा कमाते थे, बहुत सारी चीजें थी, यानी इंसानियत जो है वो उलट पलट हो गई थी। अल्लाह के नबी ने क्या किया, आने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर
शय को उसकी सही जगह पे रखा। हिकमत असल में इसी को कहते हैं, हर चीज को उसकी दुरुस्त जगह पे रखना, जो उसका हक है उसको देना, उसके साथ जुल्म नहीं करना। तो अल्लाह के नबी सल्लम ने आकर के मुआशरे को एक सही जहत पर गामजन किया, हर चीज का एक जो दुरुस्त तरीका होना चाहिए हर चीज को करने का, वो अल्लाह के नबी ने सिखाया। वो युअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तअलमून, और अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको वो सिखाते हैं जो तुम नहीं जानते। अल्लाह के नबी के बेसत से पहले अरब का मुआशरा जाहिली मुआशरा था, कोई जो मारूफ माने में जिसको सिविलाइजेशन बोलते हैं वो ऐसे सिविलाइज्ड पीपल नहीं थे वो। अल्लाह के रसूल ने आकर के उनको हर चीज सिखाई, दीन भी दुनिया भी। आप देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इबादतें नहीं सिखाई, अल्लाह के रसूल ने सिर्फ अकायद की इस्लाह नहीं की, अल्लाह के रसूल ने मामलात भी सिखाए। माँ बाप की खिदमत कैसे करना है बताया, बच्चों की तरबियत कैसे करना है बताया, बीवी के साथ सुलूक कैसा करना है बताया, शौहर के हुकूक बताए, पड़ोसी के साथ कैसा रवैया होना चाहिए बताया। जानदार चीज़ें तो दूर की बात है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह के रसूल सल्लम ने जानवरों के भी हुकूक बताए, यानी इंसानों के साथ साथ जानवरों के, और जानदार चीज़ें क्या अल्लाह के नबी सल्लम ने तो बेजान चीज़ों के भी हुकूक बताए। रास्ते का अल्लाह के नबी सल्लम ने बताया कि रास्ते के हुकूक क्या क्या है। अल्लाह के रसूल ने हर एक यानी ऐसा मुआशरा एक मुआशरा अल्लाह के नबी सल्लम ने तरतीब दिया जहाँ पे हर चीज़ परफेक्ट, हाँ हर चीज़ अपनी सही जगह पर है जहाँ पर उसको होना चाहिए। हत्ता कि अल्लाह के नबी सल्लम ने खाने के भी आदाब सिखा दिए, पानी के आदाब सिखा दिए, कपड़े पहनने के आदाब सिखा दिए। अरब के लोग इनसे वाकिफ नहीं थे ना, कोई भी कहीं भी बैठ के बैतुल खला करता था, यानी जो पेशाब और पैखाने की भी आदाब और हाजात नहीं पता थे लोगों को, कैसे इस्तिंजा पेशाब पैखाना कैसे किया जाता है। जैसे एक बाप होता है ना अपने बच्चों को इस्तिंजा तक के तरीके सिखाता है, अल्लाह के रसूल सल्लम ने बाप की तरह इस्तिंजा के भी तरीके सिखाए। इस्तिंजा का ये तरीका है, बैतुल खला का ये तरीका है। आप बताइए अगर बैतुल खला के आदाब पर गुफ्तगू हो तो अच्छा खासा एक मौजू जो है ना तैयार होगा। उलमा ने बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं सिर्फ बैतुल खला के आदाब पर, लंबी बहसें उसमें होती हैं। हाँ अल्लाह के नबी सल्लम ने जैसे एक बाप शफीक बाप अपने बच्चे को उंगली पकड़ करके चलना सिखाता है ना, अल्लाह के नबी सल्लम ने बैतुल खला के भी आदाब बताए, कपड़े कैसे पहनना चाहिए बताया, उठने बैठने का तरीका बताया, सवारी पे सवार होने का तरीका बताया, सोने जागने के आदाब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए। ये आदाब का इतना बड़ा सिलसिला है, जैसे एक शफीक बाप अपने बच्चे की हर हर चीज में रहनुमाई करता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत की ऐसे रहनुमाई की, हर चीज की वजाहत, हर चीज में तरबियत की। जो अल्लिमुकुम मालम तकूनु तालमून, रसूल तुमको वो सिखाते हैं जो तुम नहीं जानते थे। अरब का मुआशरा इन चीजों से वाकिफ नहीं था, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर के उनको सिखाया, इंसान बनाया। एक ऐसा मुआशरा जहाँ इंसानियत अपने जानवर बन चुका था इंसान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन जानवर बन जाने वाले इंसानों को वापस इंसान बना दिया। बेहयाई जिसके जो है पैवस्त हो चुकी थी जिस माशरे में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको हया वाला माशरा बनाया। जुल्म की इंतहा पर जो माशरा चला गया था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मिसाली अदल कायम करने वाला माशरा बनाया। जो कौम बुजदिली की इंतहा पे गई थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें बहादुरी की रूह फूंक दी। क्या क्या बयान करें, अल्लाह के नबी ने क्या क्या सिखाया। आलम तकूनु तालमून, बहुत सारी चीजें थी जो तुम नहीं जानते थे, तुम जहालत के इंतहा पे चले गए थे, तुम जहन्नम के आखिरी किनारे पे पहुंच चुके थे, अल्लाह ने अपना रसूल बेच करके तुमको जहन्नम से बचा लिया। ये अल्लाह के रसूल सल्लम की अजमत है। अच्छा, इन आयतों में एक बड़ी खूबसूरत बात ये भी है ना कि आप ये देखिए, ये जिनको खिताब किया जा रहा है, कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम, तुम्ही में से तुमको सिखाता है, तुम पर आयतें तिलावत करता है, तुम्हारा तस्किया करता है, ऐसी बात है। यहाँ तो मुराद पूरी उम्मत के लोग हैं, पर डायरेक्ट खिताब अल्लाह ताला किन से कर रहा है, जब ये आयतें नाजिल हो रही हैं तो किन लोगों को कहा जा रहा है कि ये रसूल तुम पर कुरान की आयतें तिलावत करता है, ये रसूल तुम्हारा तस्किया करता है, ये रसूल तुमको इल्म देता है, ये रसूल तुमको हिकमत सिखाता है। इसके पहले मुखातब कौन लोग हैं, इसके पहले मुखातब सहाबा हैं। अल्लाह ताला का सहाबा से खिताब डायरेक्ट है। उस वक्त जब आयतें नाजिल हो रही हैं तो किन से एक बात की जा रही है, उस वक्त तो सहाबा के अलावा कोई मौजूद ही नहीं है। तो सहाबा की अजमत भी इन आयतों के अंदर मौजूद है कि सहाबा वो पहली जमात हैं, बल्कि वाहिद जमात सहाबा हैं जिन्होंने बगैर किसी वास्ते के डायरेक्ट अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तिलावत किताब भी ली, तज़किया भी लिया, तालीम किताब भी ली और तालीम हिकमत भी ली।
कोई वास्ता नहीं है, कोई बीच में और कोई नहीं है, डायरेक्ट अल्लाह के रसूल उनको कुरान पढ़ करके सुना रहे हैं। वल्लाही आज के जमाने में बाज लोग ये कहते हैं नाउनु रिजालुन वहुम रिजाल, हम भी इंसान हैं और वो भी इंसान थे, तो सुभान अल्लाह क्या कोई सहाबा की जैसा इंसान हो सकता है? हम ये नहीं कहते सहाबा इंसान नहीं थे, पर इंसानियत की अजमत का जो मेयार उनका था, इंसानियत की जिस मकाम पर वो पहुंचे थे, पूरी उम्मत में आने वाली कोई नस्ल उस मकाम को नहीं पहुंच सकती, और उसके लिए इतना काफी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने डायरेक्ट ये दीन लिया है, रसूल ने डायरेक्ट उनको कुरान पढ़ करके सुनाया। इसलिए बात सलफ गालिबन कहते हैं ना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का लम्हे भर के लिए अल्लाह के रसूल को देखना, अल्लाह के रसूल के साथ मौजूद रहना, उसकी अजमत इतनी ज्यादा है कि हमारी पूरी जिंदगी की इबादत है उसका मुकाबला नहीं कर सकती। वल्लाह एक नजर अल्लाह के रसूल को देख लिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर लिया, वो लम्हे भर का वक्फा जिसमें उनको अल्लाह के रसूल की सोबत नसीब हुई, हम अपनी पूरी जिंदगी की इबादतें भी लगा दें, उस लम्हे भर के वक्फे की भी बराबरी हम नहीं कर सकते। हम जबान से बोल देते हैं वो भी तो इंसान थे, हम भी तो इंसान थे, वैसा इंसान कोई हो सकता है? उम्मत में कितने भी इंसान पैदा हो जाए, क्या उसको शर्फ मिल सकता है? कितनी भी मेहनत वो कर ले, क्या उसको शर्फ मिल सकता है कि रसूल की प्यारी जबान से अदा होने वाली कुरान की आयतें उसके कानों तक पहुंचे? इतना बड़ा मकाम है ये कुरान। आज एक कुछ लोग कहते हैं ना कि हम तो कुरान में जानने में सहाबा से ज्यादा आगे चले जाएंगे, हम कुरान के फहम में, कुरान की अंडरस्टैंडिंग में सहाबा से आगे चले जाएंगे। जिस रसूल पर कुरान नाजिल हुआ, उसने जिन लोगों को कुरान सिखाया, वो कुरान की आयतें ना समझ पाए, हम समझ जाए, ऐसा हो सकता है? उनको कुरान की आयत समझने में मिस्टेक हो जाए, गलती हो जाए, और हमको आज 1400 साल बाद जाकर के समझ में आया कि कुरान की आयत का ही मतलब है, वो नहीं समझ सके सुन्नत का क्या मतलब होता है, आज 1400 साल बाद एक गांधी साहब पैदा होकर के बता रहे कि सुन्नत का ये मतलब है, सहाबा को सुन्नत का मतलब समझ में नहीं आया, वो तकदीर का क्या मतलब होता है नहीं समझ सके, हम 1400 साल बाद समझ गए तकदीर का ये मतलब होता है। कितनी जुरात की बात है कि कोई आदमी ये कहे कि कुरान के समझने में, दीन के फहम में वो सहाबा से भी आगे, जिन्होंने दीन दीन के रसूल से लिया, वो तो दीन ना समझ सके, हम 1400 साल बाद दीन समझ जाए, ये तो कितनी बड़ी जुरात की बात है। सहाबा की अजमत के लिए ही काफी है कि वो अल्लाह के रसूल के शागिर्द थे। वल्लाही अगर कुरान की कोई आयत, कोई हदीस, कोई सलफ का कौल सहाबा की अजमत पर नहीं होता, ये अकेली आयत सहाबा की अजमत समझाने के लिए काफी है कि ये सहाबा हैं जिन पर अल्लाह के रसूल ने कुरान तिलावत किया, ये सहाबा हैं जिनका तज़किया अल्लाह के रसूल कर रहे हैं, ये सहाबा हैं जिनको किताब की तालीम अल्लाह के रसूल दे रहे हैं, ये सहाबा हैं जिनको विजडम अल्लाह के रसूल सिखा रहे हैं। इसलिए सहाबा, उनका अखलाक, उनकी किरदार, उनकी जिंदगी, उनकी पाकीजा सीरतें, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक किरदार का रिफ्लेक्शन है। आपको रसूल को अगर देखना हो आईने में, तो सहाबा की जिंदगियां रसूल का आईना है, उसमें देखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो ये सहाबा की अजमत पर भी दलील है। इससे इस आयत में हमको इल्म की अजमत भी पता चलती है कि इल्म कितनी अजीम तरीन चीज है। हाँ, अल्लाह ताला ने फरमाया रसूल तुम्हारे लिए किताब का इल्म तुमको देते हैं, हिकमत का इल्म तुमको देते हैं, जिन चीजों से तुम जाहिल हो उसका इल्म तुमको देते हैं। तो इल्म कितनी अजीम शय है कि अल्लाह के रसूल सल्लम ने अल्लाह से क्या लिया, इल्म लिया। हाँ, वो अल्लाह कमालम तकुन तालम, अल्लाह ने अपने रसूल से कहा, अल्लाह ने तुमको उस चीज का इल्म दिया जिसका इल्म तुम्हारे पास नहीं था, और रसूल से वो इल्म सहाबा ने लिया, और सहाबा ने वो इल्म उम्मत को दिया। तो ये सारा सिलसिला इल्म ही का तो है, इसीलिए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं, उलमा अंबिया के वारिस हैं, क्योंकि अंबिया ने कोई माल की विरासत नहीं छोड़ी, माल तो जो उन्होंने छोड़ा वो सबका सब सदका हो गया, वो तो उनके आने वाले नस्लों को भी नहीं मिला, उनके रिश्तेदारों को भी नहीं मिला, उनके वारिसिन को भी नहीं मिला। अल्लाह के रसूल इल्म छोड़ करके गए दुनिया में, अल्लाह से इल्म लिया दुनिया में, इल्म छोड़ा अल्लाह के रसूल ने। इल्म की अजमत के लिए कितनी बड़ी बात है ये। और इस आयत से हमको असातिज़ा की भी अजमत समझ में आती है कि उस्ताद का मकाम कितना बुलंद है। अगर उस्ताद के मकाम की बुलंदी को बयान करने के लिए और कोई नुक्ता हम ना पेश करें, तो उस्ताद की अजमत समझने के लिए ही बात काफ़ी है कि अल्लाह के रसूल उस्ताद थे, अल्लाह के रसूल सहाबा के उस्ताद थे, अल्लाह के रसूल सल्लम के सहाबा अल्लाह के रसूल के शागिर्द थे। तो अगर आप उस्ताद हैं, तो उस्ताद का मर्तबा समझने के लिए ये कितना प्यारा नुक्ता है कि हमारे रसूल भी उस्ताद थे, टीचर थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बल्कि अल्लाह के नबी ने एक हदीस में फरमाया इन्नमा बुइत्तु मुअल्लिमन, अल्लाह ताला ने मुझे टीचर बना करके, उस्ताद बना करके दुनिया में भेजा। मैं ये बात खास
आज की तारीख के हवाले से नहीं कह रहा, कोई एक नुक्ता आ गया इस आयत में, वरना इसका जो है वो कोई खास योम असातिज़ा से ताल्लुक नहीं है, बल्कि हम तो ये समझते हैं कि इस तरह से उस्ताद की अजमत को बयान करने के लिए कोई एक दिन मनाना जायज़ ही नहीं है शरान, क्योंकि ये एक तरह से ईद है और मुसलमानों के लिए सिर्फ दो ईद है, तो हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करने के कायल नहीं है। कोई किसी को ये ना लगे कि आज के खास दिन की मुनासिबत से मैं कोई बात कह रहा हूँ, क्योंकि ये बात आ गई तो एक नुक्ता मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ कि उस्ताद की अजमत के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह के रसूल भी खुद उस्ताद थे, अल्लाह के रसूल खुद टीचर थे, तो उस्ताद की अजमत हमेशा की है। वो कोई सिर्फ 5 सितंबर को उस्ताद की अजमत बयान करना और जिंदगी भर उस्ताद को भूले रहना, ये मगरिब के लोगों का तो रवैया ये है कि जिसका हक खाना उसके नाम से एक दिन तय कर दो, ना माँ बाप का हक देते हैं, माँ बाप का ले जा करके जो है वो ओल्ड एज हाउसेज में डाल देते हैं, बस उनकी उनके जुल्म को और उनके अपनी नाइंसाफियों को जस्टिफाई करने के लिए एक दिन उनके नाम से मना दिया। तो हम दिन मनाने के कायल नहीं हैं, उस्ताद हों, माँ बाप हों, बीवी हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, उनके लिए कोई दिन खास करने की ज़रूरत नहीं है। आदमी ज़िंदगी भर हर हर लम्हा उनका शुक्रगुजार रहे, उनके हकूक़ अदा करें, असल में दिन ये चाहता है आपसे। फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन आयत नंबर 152 में फरमा रहे हैं फ़ज़कुरूनी, तो फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, लिहाजा मुझे याद करो, अज़कुरकुम मैं तुमको याद करूँगा, वश्कुरूली और मेरा शुक्रिया अदा करो, वला तकफ़ुरून और मेरी नाशुक्री मत। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बकरा की आयत पे फरमाया, दो चीज़ों का जिक्र आया, जिक्र और शुक्र। और अहले ईमान एक मोमिन बंदे की पर्सनैलिटी में, उसकी शख्सियत में जो बहुत नुमाया चीज़ें होती हैं, वो उनमें से एक चीज़ क्या होती है, अल्लाह का जिक्र और अल्लाह का शुक्र। वो कसरत से अल्लाह का जिक्र करने वाला होता है और कदम कदम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र करने वाला होता है, ना शुक्री से वो बचता है। तो ये सिर्फ एक आयत में, छोटी सी आयत में दो बड़ी बड़ी चीज़ें बयान कर दी गई, एक अल्लाह का जिक्र करना, एक अल्लाह का शुक्र करना। जिक्र क्या है? जिक्र अल्लाह ताला का दो तरह से होता है, बल्कि तीन तरह से होता है। ज़िक्रुल्लाह यकूनु बिलकल्बी वल्लिसानी वल्जवारह। अल्लाह ने फरमाया मेरा जिक्र करो। पहली बात तो ये कि अल्लाह का जिक्र करना वाजिब है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका हुक्म दिया है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसका हुक्म दे दे वो चीज़ हम पर क्या हो जाती है, वाजिब हो जाती है। तो फरमाया फ़ज़कुरूनी, मेरा जिक्र करो, मुझे याद करो, अज़कुरुकुम मैं तुमको याद करूँगा। हाँ, दो जुमलों में अल्लाह ने अमल भी बता दिया, अमल का इनाम भी बता दिया। अमल क्या करना है तुमको? अल्लाह को याद करना है। उसका इनाम क्या मिलेगा? उसकी जजा ही होगी कि अल्लाह ताला तुमको याद करेगा। वल्लाही ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम अल्लाह को याद करें, ये बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह हमको याद करें, ये बहुत बड़ी बात है कि हम अल्लाह ताला का जिक्र करें, ये बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह हमारा जिक्र करें। हमारी हैसियत क्या है? हमारी औकात क्या है? हम किस खेत की मूली है? मेरी अपनी क्या हैसियत है कि मैं अल्लाह ताला मुझे याद करें? ये कितना बड़ा इनाम है वल्लाही। अगर जिक्र की फजीलत को समझना हो, ये एक अकेली आयत जिक्र की फजीलत को समझने के लिए, ये आधी आयत, ये एक जुमला जिक्र की फजीलत को समझने के लिए काफी है। और बंदे को अगर अल्लाह का जिक्र करना है और कोई सबब उसके पास ना हो, ये अकेला सबब उसके लिए काफी है कि अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदे मुझे याद करो, मैं तुमको याद करूंगा। बंदे तो याद ही करते हैं अल्लाह को, अल्लाह ताला तो हक रखता है कि अल्लाह को याद किया जाए। ईमान वाला बंदा अल्लाह को कैसे भूल सकता है? वो तो कदम कदम पर अल्लाह की निशानियां देखता है, और कदम कदम पर जब अल्लाह की निशानियां देखता है तो कदम कदम पर उसको अल्लाह याद आता है। वो अपनी निगाहें जहां दौड़ाता है अल्लाह की तख्लीक और अल्लाह की मखलूक दिखाई देती है। ईमान अगर दिल में सच्चा हो तो बंदा तो किसी कदम पर अल्लाह ताला को नहीं भूलेगा। आप देखिए कुरान मजीद में सिर्फ जिक्र की इबादत एक ऐसी इबादत है जिसके साथ कथीर का लफ्ज आता है, वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कथीरन वज़्ज़ाकिरात। अल्लाह रब्बुल आलमीन का कसरत से जिक्र करने वाले मर्द और कसरत से जिक्र करने वाली होते हैं। एक आयत मैंने बताई, कुरान मजीद में बहुत सारी इबादतों का जिक्र आया है, किसी भी इबादत के साथ कसीर का लफ्ज नहीं आता है, जिक्र के साथ बार बार कसीर का लफ्ज आता है। कसरत से अल्लाह ताला का जिक्र करने वाले, कसरत से अल्लाह को याद करने वाले, क्यों? क्योंकि ईमान वाले बंदे के दिल में हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन की याद ताज़ा रहती है। आप खुद अल्लाह के नबी की हदीसों में देखिए, दुआएं जो अल्लाह के नबी की हैं, अज़कार हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, गैर ही आपको जिंदगी में कोई ऐसा मौका मिलेगा जहां अल्लाह रब्बुल से कोई दुआ साबित नहीं हो, कोई जिक्र साबित नहीं हो। नमाज तो पूरी की पूरी दुआएं, और अल्लाह की कसरत से नमाज पढ़ते हैं, दिन और रात का बेशतर हिस्सा तो नमाजों में जा रहा है बहुत बड़ा। फिर उसके बाद मजलिस में बैठते थे दोस्तों से बात करते हुए, मुसलसल दुआ, जिक्र, अस्तगफिरुल्लाह, इस्तिगफार पढ़ते रह रहे, हाँ, खाना खा रहे हैं जिक्र कर रहे हैं, सवारी पर सवार हो रहे हैं जिक्र कर रहे हैं, सीढ़ी पर ऊंची जगह पे चढ़ रहे हैं अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, ऊंची जगह से उतर रहे हैं अल्लाह ताला का जिक्र कर रहे हैं, हाँ, मस्जिद के लिए
घर से निकल रहे हैं, घर से निकलते हुए अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, रास्ते में चलते हुए अल्लाह ताला का जिक्र कर रहे हैं, मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, मस्जिद से बाहर निकल रहे हैं अल्लाह ताला का जिक्र कर रहे हैं, हत्ता कि जब अपनी बीवी के पास है बहुत एक पर्सनल और प्राइवेट मामले के लिए भी, वहां भी अल्लाह ताला को नहीं भूल रहे, उससे पहले भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र कर रहे हैं, दुआ पढ़ रहे हैं। हाँ, तो ईमान वाला बंदा उसका उसकी जिंदगी अल्लाह ताला के जिक्र में डूबी हुई होती है, वो सुबह शाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र में मसरूफ रहता है। और जब बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करता है, अल्लाह ने फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका जिक्र करता है। ये जिक्र सिर्फ जबान से नहीं है, जिक्र का असल महल तो दिल है। असलन अल्लाह ताला दिल में याद रहना चाहिए, जबान से कभी बंदा उसका इजहार कर रहा है, कभी खामोश है, तो खामोश भी है तो अल्लाह ताला को याद कर रहा है, जबान भी अल्लाह के जिक्र में तर है। और अल्लाह ताला का जिक्र दिल से होता है, जबान से होता है, और जवारे से भी होता है, यानी अपने आज़ा से, अपने आमाल से भी अल्लाह ताला का जिक्र करता है। मसलन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते हैं, सबसे आला तरीन जिक्र क्या है? नमाज। अकीमिस सलात अलिज़िक्री, नमाज एक अमल है, तो अमल ही जिक्र है नमाज पढ़ना। रोजे जिक्र है, बल्कि वो रोजा तो जो है जबरदस्त जिक्र है, रोजा तो उसका जो है वो अल्लाह ताला ने तरतीब ही रोजे की ऐसी रखी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने हमको ये यानी हमारी जो फितरी जरूरतें उनको अल्लाह के जिक्र से जोड़ दिया है। रोजा लगा है, भूख लगी, रोजा रखा, भूख लग गई, अल्लाह याद आ गया। रोजा रखा है, प्यास लगी, अल्लाह याद आ गया। यानी रोजे का मैकेनिज्म इतना जबरदस्त है कि जो हमारी एक नेचुरल नीड्स थी, हमारी जो एक फितरी जरूरतें हैं, उन फितरी जरूरतों को अल्लाह के जिक्र से जोड़ दिया गया। जब भी हमारी फितरत और हमारी नफ्स, हमारी तबीयत कोई तकाजा करेगी, फौरन अल्लाह याद आएगा। खाना रखा है, क्यों नहीं खा रहे हो? अल्लाह ने मना किया। प्यास लगी, पानी पी लो, नहीं पी सकता, अल्लाह ने मना किया है। रोजा जिक्र, नमाज जिक्र, हज पूरा का पूरा अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र, तो जो इबादतें हैं, जो एक अमली फॉर्मेट है जिक्र का, वो इबादतें। तो जिक्र जबान पे भी होना चाहिए, जिक्र दिल में भी होना चाहिए, और जिक्र जवारे में भी होना चाहिए, बल्कि असल जो जिक्र का महल है वो तो दिल है। असलन जिक्र कहाँ करना है? असलन अल्लाह ताला को दिल में याद करना है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया वला तुति मन अगफलना कल्बहु अन जिक्रिना, ऐसे शख्स की इत्तबा मत करना, इताअत मत करना, मन अगफलना कल्बहु अन जिक्रिना, जिसके दिल को हमने अपने जिक्र से गाफिल कर दिया है। जिक्र की जिद क्या आती है? गफलत। जैसे सुन्नत की जिद बिदअत आती है, जैसे तौहीद की जिद और अपोजिट शिर्क है, जैसे ईमान का अपोजिट कुफ्र है, वैसे ही जिक्र का अपोजिट गफलत है, निस्यान है। अल्लाह ताला को बंदा भूला हुआ है, अल्लाह ताला से गाफिल है। अल्लाह ताला को याद रखने का एक मतलब ये भी होता है ना कि बंदा जब अल्लाह ताला को याद रखता है तो उसकी नफ्से लवामा, वो नफ्से लवामा हमारी नफ्स होती है ना, जो हमको बुराई करने पर बुराई करने पर हमारी मलामत करती है और हमको बुराई करने से रोकती है, ये जो नफ्से लवामा है, जब बंदा मुसलसल अल्लाह को याद रखता है तो उसकी नफ्से लवामा एक्टिव रहती है। जैसे ही किसी गुनाह का ख्याल उसके दिल में आता है, फौरन नफ्से लवामा उसको रिमाइंडर दिलाती है, अल्लाह को याद दिलाती है, और वो अल्लाह की याद उसको गुनाह से रोक देती है। एक आदमी गाना सुनने का आदी है, उसकी नफ्स तकाजा कर रही है, खोलो मोबाइल, सर्च करो फला गाना यूट्यूब पर, जाओ सुनो। अगर अल्लाह का जिक्र मुस्तकिल करने वाला है, अभी सुबह कुरान पढ़ा है, अभी नमाज पढ़ करके आया है, नमाज के अस्कार पढ़े, उसके दिल में अल्लाह का जिक्र ताजा है, उसको फौरन अल्लाह याद आ जाएगा, उसको ये एहसास होगा कि मेरा अल्लाह मुझको देख रहा है, फिर उसकी उंगलियां टाइप करने से रुक जाएंगी। वरना तो हमारे जमाने में गुनाह वन क्लिक अवे है, एक जरा सा लम्हा लगता है और आदमी इताअत के स्टेटस से नाफरमानी के स्टेटस पे चला जाता है। एक सेकंड का वक्फा लगता है, अभी बंदा इताअत कर रहा था, तकरीर सुन रहा था, नीचे रिकमेंडेशन में कोई गाना आ गया, तिलावत सुन रहा था, रिकमेंडेशन में कोई फैश वीडियो आ गई, एक लम्हे में बंदे का स्टेटस मुती से आसी में चेंज हो जाता है। अभी वो फरमा बरदार था एक लम्हा पहले, एक लम्हे बाद नाफरमान हो गया, इतना ज्यादा गुनाह आसान हो गया। लेकिन जब हम अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं तो अल्लाह ताला का जिक्र क्या करता है? वो हमारी नफ्से लवामों को एक्टिव रखता है। जैसे ही गुनाह का कोई ख्याल आता है, नफ्से लवामा फौरन रिमाइंडर देती है, याद दिलाती है, अल्लाह अभी तो नमाज पढ़ के आए हो, अभी तो अल्लाह का जिक्र किया है, अभी तो तौबा इस्तिगफार किया है, अभी तो दुआएं की हैं, कैसे तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करोगे? ऐसे जिक्र से क्या फायदा अगर ये जिक्र मुझको गुनाहों से नहीं रोक रहा? मेरी नमाजों का क्या मतलब है अगर ये नमाजें मुझको गुनाहों से नहीं रोक पा रही हैं? नफ्स मलामत करना शुरू करती है कब? यानी नफ्से नवामा का पेट्रोल है जिक्र।
जब जिक्र हम करते हैं ना, हमारी नफ्स लवामा एक्टिव रहती है, कवी रहती है, वो हमको गुनाहों से रोकने की ताकत उसके अंदर आती है। और जो जिक्र ही नहीं कर रहा, आप देखेंगे ना, जो गुनहगार आदमी नमाज नहीं पढ़ता, रोजे नहीं रखता, उसको गुनाह करते हुए कोई परेशानी नहीं होती, वो गुनाह की लज्जत को महसूस क्यों कर लेता है? क्योंकि उसकी नफ्स लवामा बहुत कमजोर हो चुकी है। और एक बंदा अगर उसकी नफ्स लवामा मजबूत है, क्योंकि वो मुसलसल अल्लाह का जिक्र करता है, तो ये नफ्स लवामा या तो उसको गुनाह करने ही नहीं देती, या अगर उससे गुनाह सरजद भी हो जाए तो इतने कचोके उसको लगाती है, इतना उसको मलामत करती है कि बंदा फौरन गुनाह से हाथ फिर करके तौबा कर लेता है। बाद मरतबा नफ्स के बहकावे में आकर गुनाह की तरफ चला जाता है, लेकिन उस पर इसरार नहीं कर पाता, टिक नहीं पाता, उसमें उस लज्जत को महसूस ही नहीं करता, क्योंकि उसकी नफ्स लवामा मुसलसल उसकी लज्जत के आड़े बने रहती है, उसको याद दिलाते रहती है कि तुम ये जो स्टेटस है ये तुम्हारी नाफरमानी का स्टेटस है, और उसको इतना कचोके लगाती है, इतना बेचैन करती है वो नफ्स लवामा कि बंदा उस स्टेटस से फौरन बाहर आना चाहता है, उस हालत से फौरन बाहर आना चाहता है, और बाहर आ जाता है। यतूबूना मिन करीब, इसरार नहीं करता गुनाहों पर और फौरन तौबा कर लेता है। कब होता है? जब नफ्स लवामा कभी हो। और नफ्स लवामा कब कभी होती है? जब उसको अल्लाह याद रहे बंदे को। अल्लाह को याद करना, जबान से अल्लाह का जिक्र करना तो एक तकाजा है ही है, लेकिन ईमान वाला बंदा जिस स्टेटस में अल्लाह रब्बुल आलमीन को जबान से याद नहीं भी कर रहा होता है, तो ऐसा नहीं कि उसका दिल अल्लाह से गाफिल हो जाता है। दिल में हमेशा अल्लाह ताला की याद सजाए रहता है, दिल हमेशा अल्लाह से गुफ्तगू कर रहा होता है, दिल हमेशा अल्लाह को याद कर रहा होता है, तो ये स्टेटस ईमान वाले से मतलूब है कि अल्लाह को भूले नहीं वो। भाई जबान से जिक्र तो एक ही है, मतलब आप ये तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में भी देखें, ईमान वाले बंदे की जिंदगी में देखें, तो जबान से तो कसरत से अल्लाह ताला का जिक्र करता ही है, खाली ही उसका कोई वक्त ऐसा गुजरता है सोने जागने में कि वो अल्लाह से जिक्र ना करे। यानी बाज उसकी अपनी मजबूरियां हैं, बैतुल खला में गया तो अल्लाह का जिक्र नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही बाहर निकलता है फौरन कहता है गुफरानक, अल्लाह ताला मैं अपनी जाती जरूरत की वजह से इतने देर तक तुझको याद नहीं कर सका, मैं तेरी मगफिरत चाहता हूँ इसके लिए। अल्लाह के रसूल जो बैतुल खला से बाहर निकल करके फौरन गुफरानक कहते थे, इसकी वजह क्या थी? कि अल्लाह ताला की मेरी जाती जरूरत थी कि बैतुल खला में तो तेरा जिक्र नहीं कर सकता था, अपनी इस जाती जरूरत की वजह से इतने देर तक मैं तेरे जिक्र से दूर रहा, अल्लाह ताला मैं इसके लिए तेरी बख्शिश चाहता हूँ। हाँ, तो ये का जबान से तो जिक्र करना ही है, पर जिस वक्त जबान से जिक्र ना भी कर रहे हो, दिल अल्लाह ताला की याद से गाफिल नहीं होना चाहिए। जब अल्लाह ताला याद रहेगा तो बंदे का किरदार संवर जाएगा, उसके मामला दुरुस्त हो जाएंगे। वो गइबत करने जा रहा है, अल्लाह इस वक्त तो दुनिया की बहुत लजीज तरीन चीज हैदराबाद की बिरयानी में वो लज्जत नहीं लोग महसूस करते जो गीबत में महसूस करते हैं। हाँ, लजीज तरीन चीज गीबत है। आप अगर आपको देखना हो कि गीबत में कितनी लज्जत है, तो किसी मजलिस में जब आपके दिल में कोई गीबत वाला जुमला है, आप उसको रोक करके देखिए कितना तकलीफ और कितना सब्र करना पड़ता है अपने आप को गीबत से रोकने के लिए। गीबत में बड़ी लज्जत है, लेकिन जब बंदा गीबत करने जा रहा है, एक लफ्ज उसकी जबान पे आकर के रुक जाता है, जब वो ये सोचता है कि अल्लाह ताला मेरी आवाज को सुन रहा है, मेरे कलिमात लिखे जा रहे हैं, अल्लाह याद रहेगा, जिसको अल्लाह याद होगा वो फिर उस हालत में तो गीबत नहीं कर सकेगा, वो चुगली नहीं कर सकेगा, वो गाली नहीं दे सकेगा। अल्लाह को याद रखना, अल्लाह को याद करना, अल्लाह के जिक्र से जबान को तर रखना, अपने दिल को ताज़ा रखना, ये ईमान वाले बंदे की शख्सियत में हुस्न और रौनक पैदा करता है। तो असलन जिक्र दिल से करना है। फरमाया फज़कुरूनी, मेरा जिक्र करो, अज़कुरुकुम, मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। मैंने बताया कि बड़ी बात तो ये नहीं कि हम अल्लाह का जिक्र करते हैं, भाई अल्लाह तो याद ही आने वाली चीज़ है। अल्लाह ताला की तो कायनात में इतनी निशानियां बिखरी हुई हैं कि बंदा सो करके उठता है तो अल्लाह याद करता है, सोने जाता है तो अल्लाह को याद करता है। नींद अल्लाह की नेमत, नींद से जाग जाना भी अल्लाह की नेमत, सो रहा है अल्लाह ताला की नेमत है, सो के उठ गया अल्लाह ताला ने उसको मौत नहीं दी, अल्हम्दुलिल्लाह, अहयाना बादा मा अमातना व इलैहिन नुशूर, सारी तारीफ अल्लाह के लिए कि मरने के बाद जिंदगी दे दी, अल्लाह ताला की तरफ लौट करके जाना है। अल्लाह को याद करना तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बड़ी चीज है कि अल्लाह हमको याद करे, तो कितनी बड़ी बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक हदीस के अंदर कि अल्लाह ताला फरमाता है फअना माहु इज़ ज़करनी, मैं अपने बंदे के साथ होता हूँ जब मेरा बंदा मुझे जिक्र करना होता है। बहुत बड़ी बात है वल्लाही, अल्लाह को हम अल्लाह का जिक्र करें और अल्लाह सुन रहा है अपने जिक्र को, अल्लाह देख रहा है कि मेरे बंदा मेरा जिक्र कर रहा है, अल्लाह मोहब्बत से देख रहा होता है बंदे को, अल्लाह मोहब्बत से उसके साथ होता है जब वो अल्लाह का जिक्र कर रहा होता है। हाँ, ये अल्लाह का जिक्र करते हुए, तिलावत करते हुए, अल्लाह ताला की हम्दो सना करते हुए, जब ये एहसास हो ना आपको कि मैं जो कह रहा हूँ अल्लाह डायरेक्ट सुन रहा है और पूरी तवज्जो से सुन रहा है, अल्लाह हमारी सुन रहा है, यानी आप पास अल्फाज हम लोग जबान से बोल देते हैं ना, हमको उसकी गहराई में जाकर के नहीं उतरते। आप रुकू से उठते हैं तो क्या बोलते हैं? समी अल्लाह लिमन हमीदा,
अल्लाह सुनता है, अल्लाह सुन रहा है जो अल्लाह की हम्द कर रहे हैं उनको, हमको सुन रहा होता है अल्लाह जब हम अल्लाह की हम्द कर रहे होते हैं, ना सिर्फ सुन रहा होता है बल्कि रिप्लाई कर रहा होता है अल्लाह रब्बुल आलमीन। आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, अल्लाह ताला रिप्लाई में आपके कह रहा होता है असना अली आब्दी, मेरे बंदे ने मेरी सना की। कितनी बड़ी बात है ये, हम अल्लाह को याद कर रहे हैं, अल्लाह ताला इग्नोर नहीं कर रहा आपको, नजरअंदाज नहीं कर रहा, अल्लाह बाकायदा आपकी तरफ मुतवज्जे है, अल्लाह ताला की तवज्जो आपकी तरफ है। एक मरतबा आप नमाज पढ़ें आप ना, और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हुए ये इस बात का एहसास करें अल्लाह आपकी तरफ मुतवज्जे है, वल्लाही नमाज की लज्जत ही तब्दील हो जाएगी आपकी, एहसास आपका बदल जाएगा। बस आप इतना सोचें, मैंने अभी कहा, अल्लाह ने फौरन रिप्लाई किया, असना अली अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी सना की है। हाँ, पूरी वो हदीस हम इससे पहले दर्स में गुजर चुकी। हाँ, हम कहते हैं रहमान रहीम, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है मज्जदनी मालिकियों में दीन, अल्लाह अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे ने मेरी तमजीद की, मेरी अजमत बयान की। हाँ, जब सूरह फातिहा पूरा पढ़ लेते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, जब आप कहते हैं ईद सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह ताला फरमाते हैं ये मेरे और मेरे बंदे के बीच में है और मेरे बंदे ने जो मांगा मैं उसको दूंगा। कितनी बड़ी बात है, हम अल्लाह का दिल से जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमको याद करता है अपनी नफ्स में। हदीस में आता है फइन ज़करनी फी नफ्सिही ज़करतुहू फी नफ्सी, जब बंदा अपने नफ्स में मेरा जिक्र करता है मैं उसको अपनी नफ्स में याद करता हूँ। वइन ज़करनी फी मलइन ज़करतुहू फी मलइन खैरिन मिन्हू, और जब वो किसी जमात में मेरा जिक्र करता है अल्लाह ताला उससे बेहतर जमात में उसका जिक्र करता है। जब मेरा बंदा किसी जमात में जिक्र करता है तो मैं उससे बेहतर जो एक जमात है यानी अल्लाह ताला के जो मलाए आला में, जो अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते हैं, उन मुकर्रब फरिश्तों में अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका जिक्र करता है। यानी आप सोचिए, एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालिबन हजरत उबई बिन काब से कहा कि उबई मुझको कुरान पढ़ करके सुनाओ, अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया कि मैं तुमसे सूरह बय्यिना सुनूं, गालिबन सूरह बय्यिना थी, तो कहा कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि मैं तुमसे सूरह बय्यिना सुनूं। तो हज़रत उबई बिन काब ने कहा अल्लाह के रसूल, क्या अल्लाह ताला ने मेरा नाम लिया है, अल्लाह ने मेरा नाम लेकर के मुझे मेंशन करके कहा है कि उबई बिन काब से सुनो। अल्लाह रसूल फरमाया हाँ। उबई बिन काब रोने लगे, इतनी बड़ी बात, मैंने हैसियत ही क्या है मेरी, अल्लाह ताला की कायनात इतनी अजीम, उसमें मेरी औकात क्या है, मेरी हैसियत क्या है कि अल्लाह ताला मेरा नाम ले। आप सोचिए जिक्र में बंदा किस मकाम पर पहुंच जाता है कि कायनात का खालिक हमारा जिक्र कर रहा है। अच्छा, हम अल्लाह ताला दुनिया में अगर अरबों लोग अल्लाह ताला का जिक्र करें, अल्लाह ताला इंडिविजुअली सारे लोगों को एक साथ याद कर सकता है, उनका जिक्र कर सकता है, क्योंकि हमारी मजबूरी है कि हम एक आदमी का जिक्र करते हुए दूसरे का जिक्र नहीं कर सकते ना, हमारी मजबूरी है, अल्लाह ताला मजबूर नहीं है, अल्लाह ताला एक साथ सबको याद कर सकता है। ला यशगुलुहु शअनुन अन शअनी, अल्लाह को एक काम दूसरे काम से मशगूल नहीं कर देता, अल्लाह के साथ ये मसला नहीं है कि अल्लाह एक काम करते हुए दो काम नहीं कर सकता, अल्लाह सबको एक साथ सुन सकता है, सबकी दुआएं एक साथ कबूल कर सकता है, सबको एक साथ याद कर सकता है, अल्लाह ताला के लिए कोई मसला नहीं है कि हमारी मजबूरी कि हम एक काम करते हुए दो काम नहीं कर सकते। अल्लाह इंडिविजुअली हर बंदे को इनफरादी तौर पर याद करता है, उनके बारे में अपने अपने फरिश्तों से कहता है, जाओ मैंने जब किसी जमात में अल्लाह ताला का फरिश्ते हैं ना, अल्लाह ताला के फरिश्ते, कुछ फरिश्ते उनका काम ही है वो जमीन पे घूमते रहते हैं जिक्र की मजलिसें तलाश करते हैं, अल्लाह ताला का जिक्र कहाँ हो रहा है, और जब मजलिसें तलाश करते हैं तो वहां पे बैठ जाते हैं, अपने परों से उन पर साया कर लेते हैं। हदीस में आता है कि अल्लाह का सुकून ऐसी जमात के नाजिल होता है, फरिश्ते उनको घेर लेते हैं, और जब अल्लाह ताला के यहाँ जाते हैं तो अल्लाह ताला फरमाता है इन सारे लोगों को बख्श दो, इन सबको माफ कर दो। इंशाअल्लाह ताला ये भी कुरान की तफसीर, ये भी अल्लाह के जिक्र की मजलिस है, यहाँ भी हम अल्लाह ताला को याद करते हैं, याद कराते हैं, अल्लाह ताला को याद करते हैं, अल्लाह ताला को याद दिलाते हैं एक दूसरे को। तो अल्लाह ताला से फरिश्ते कहते हैं कि इनमें एक बंदा ऐसा है जो खास जिक्र की मजलिस में नहीं आया था, कोई आप में से ऐसा भी होगा कि कहीं पर देखा किसी ग्रुप में लिंक क्लिक करके आ गया, कोई खास मकसद नहीं था, कोई एक खास जिक्र की मजलिस में नहीं आया, बस ऐसे ही आकर के बैठ गया, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जमात ऐसी जमात है कि इनमें जो ऐसे ही आकर के बैठ गया वो भी खैर से महरूम रहना नहीं चाहिए, उसको भी माफ़ फरमा दो अल्लाह हम सब लोगों को। इसलिए मैं जब कुरान की मजलिस शुरू करता हूँ तभी ये दुआ पढ़ता हूँ कि अल्लाह ताला इस मजलिस को हमारे गुनाहों का कफ़ारा बना दे, क्योंकि ये जिक्र की मजलिस है, यहाँ हम एक लम्हा भी गुजारते हैं तो हमारी इबादत में लिखा जाता है, हमारी नेकियों में लिखा जाता है। अफजल तरीन काम कुरान मजीद को समझना और समझाना, कुरान मजीद को पढ़ना और पढ़ाना दुनिया का अफजल तरीन काम। इसलिए इस मजलिस में जब भी आप शामिल हों, इस नीयत से शामिल हों कि आप एक इबादत के मकसद से यहाँ पर आए हैं, यहाँ जो डेढ़ घंटा आप गुजारते हैं इसका एक एक मिनट आपकी नेकियों में लिखा जा रहा है। अल्लाह सबको तौफीक अता फरमाए। तो फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुमको याद करूंगा, वश्कुरूली वला तकफुरून,
और मेरा शुक्रिया अदा करो, वला तकफुरू, मेरी नाशुक्री मत करो, शुक्रिया का जिक्र आ गया। आज मैं चाहता था कि ज्यादा आयतों पर बात करूं, लेकिन इन दो आयतों के अंदर जिक्र का भी जिक्र आया, शुक्र का भी जिक्र आया, सब्र का भी जिक्र आया, और ये तीनों मौजूद ऐसे मौजू हैं कि उन पर मुस्तकिल एक दर्स हो सकता है। जिक्र इतनी अजीम चीज, फिर शुक्र इतनी अजीम चीज, फिर सब्र इतनी अजीम चीज, यानी एक ईमान वाले बंदे का जो पर्सनैलिटी होती है ना, उसमें जो जो चीजें बिल्कुल नुमाया होती हैं, हाईलाइट होती है उसकी शख्सियत में, उसमें से एक जिक्र है। एक ईमान वाले का तसव्वुर करें तो जहन में जो एक इमेजिनेशन आता है कि कसरत से अल्लाह का जिक्र करने वाला और हर बात पे अल्लाह का शुक्र करने वाला। शुक्र का मतलब क्या होता है? अरबी में शुक्र का असल मतलब होता है इजाफा, बढ़ोतरी, ज्यादा हो जाना। इसीलिए अरबी में जो है ना, अगर जो जानवर जो है वो चारा खा करके मोटा ताजा हो जाता है तो कहा जाता है शकरती दाबा, जानवर मोटा हो गया, यानी जो जो उसने अनाज खाया है उस अनाज का असर जो है वो उसकी शख्सियत में दिख रहा है, उसकी पर्सनैलिटी में, उसके जिस्म में, वो उसका बढ़ जाना, उसके जिस्म का, उसका मोटा ताजा हो जाना, ये उसके घास का, उसकी गिजा का नतीजा है जो दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो शुक्र का असल मतलब होता है बढ़ना, ज्यादा होना। शुक्र को इस्तिलाही तारीफ शुक्र की क्या है, शुक्र किसको कह रहे हैं, शुक्र की डेफिनेशन क्या है? उल्मा ने शुक्र की तारीफ की है, अश्शुक्र ज़ुहूर असरी नेमतिल्लाह अला लिसान अब्दिही सनाअन व एतराफन व अला कल्बिही शुहूदन व महब्बतन व अला जवारिही इनकियादन व ताअतन। ये शुक्र की बड़ी जामे तारीफ है। शुक्र क्या है? क्योंकि मैंने बताया शुक्र का मतलब होता है जाहिर होना, बढ़ोतरी में इजाफा होना, अल्लाह की नेमतों के आसार का जाहिर होना। जब बंदा अल्लाह ताला बंदे पर नेमत करता है तो शुक्र का मतलब क्या होता है? उस नेमत का असर दिखाई दे। शुक्र का मतलब क्या होता है? अल्लाह की नेमत का असर दिखना। कहाँ दिखेगा असर? अला लिसान अब्दिही, पहला असर जबान पर दिखेगा। कैसे दिखाई देगा? सना अन व एतराफा, कि बंदा जबान से अल्लाह की सना बयान करेगा और एतराफ करेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमत का। पहला असर शुक्र का कहाँ होगा? जबान से। अल्लाह ने नेमत दी, अल्लाह ताला पहले क्या चाहता है? अला लिसान अब्दिही, तुम्हारी जबान पर अल्लाह ताला की नेमत का असर दिखना चाहिए। लिसानु शाकिरीन, शुक्र करने वालों की जबान। शुक्र करने वालों की जबान क्या होती है? कि उनकी जबान पर मुसलसल अल्लाह की सना है, प्रेज कर रहे हैं अल्लाह को, एक्नॉलेज कर रहे हैं अल्लाह ताला की नेमत को, एतराफ कर रहे हैं कि ये नेमत जो मेरे पास है ये मेरी अपनी मेहनत और जोरे बाजू का नतीजा नहीं है, अल्लाह अगर नहीं देता तो मैं बंदा हूं, मैं हासिल नहीं कर सकता। तो अल्लाह की नेमत का असर दिखे, ये शुक्र है। और वो असर सबसे पहले कहाँ दिखता है? जबान पर दिखता है। वाला कल्बिही शुहूदन व महब्बा, और उसके दिल में भी दिखता है असर। दिल में असर क्या होता है? महब्बत। जब आप पर कोई नेमत करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन, तो शुक्र का तकाजा यह है कि एहसान करने वाले से मोहब्बत हो जाए, दिल में शहादत हो, दिल में हुजूर हो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नेमत का, दिल एहसास करे, शुहूद, गवाही दे दिल, और दिल मोहब्बत करे अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमत पर अल्लाह से। यानी दुनिया में हम मोहब्बत जो करते हैं, मोहब्बत का एक सबसे बड़ा सबब क्या होता है? एक शख्स ने मेरे साथ एहसान किया, एक नफीस तबीयत के, एक ईमानदार तबीयत का इंसान, वो अपने मोहसिन से मोहब्बत करता है। तो अल्लाह ने नेमत दी, नेमत से दिल में भी मोहब्बत पैदा हुई, जबान पे भी एतराफ है। वाला जवारिही इनकियादन वताअ, और इंसान के जवारिह पर, उसके जिस्म के आज़ा पर भी असर दिखना चाहिए। ईमान, एक शुक्रगुजार बंदे का किरदार ना शुक्रे बंदे की तरह नहीं होगा। शुक्रगुजार बंदा फरमा बरदार होता है, नेमत मिल गई है नेमत के हुकूक अदा करता है, नेमत मिल गई है नेमत के हदूद में रहता है, अल्लाह की इताअत की हदूद में रहता है। तो इताअत और फरमा बरदार हो जाना अल्लाह का, ये भी शुक्रगुजारी है। तो पता चला शुक्र जबान से भी होता है, शुक्र दिल के अंदर भी होता है, और शुक्र आमाल में भी होता है। तो हम कह सकते हैं शुक्र की तीन किस्में हैं। दिल में भी शुक्र होना चाहिए, जबान से भी शुक्र होना चाहिए, और आज़ा और जवाहरे से भी शुक्र होना चाहिए। अपने आमाल और में इताअत करके अल्लाह की भी हम शुक्रगुजारी हमको अल्लाह की करनी चाहिए। तो शुक्र नाम है अल्लाह की नेमतों के आसार के जाहिर होने का। अब शुक्र कैसे होता है? शुक्र के पांच अरकान है, पांच चीजों से शुक्र होता है। सबसे पहला क्या? एतराफुन, अल एतराफु बिन्निमा व शुहूदुहा। सबसे पहला यानी शुक्र की शुरुआत कहाँ से होती है? कि आप नेमत को नेमत तो माने पहले।
अगर आप अल्लाह की नेमतों को एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे, उनको नेमत ही नहीं मान रहे हैं, तो शुक्रगुजार कैसे होंगे? पहले नेमत को नेमत समझें। हाँ, अगर शुक्रगुजार बनना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? बंदा ना शुक्री का मरहला आमतौर पर ऐसे आता है ना कि बंदा ये देख ही नहीं रहा होता है कि अल्लाह ने उस पर क्या क्या नेमतें दी, वो बस यही गिन रहा होता है कि फला फला चीजें मुझको नहीं मिली, जो मिल गया वो गिन ही नहीं रहा होता है, अल्लाह की नेमत की कोई वैल्यू ही नहीं समझ रहा होता है, अल्लाह की नेमत की कोई कदर ही नहीं समझ रहा होता है। हाँ, हर नेमत की अपनी जगह बहुत बड़ी वैल्यू है, हर नेमत की वैल्यू को समझना ये सबसे ज्यादा जरूरी है ना। औरतें बाद मरतबा बहुत सारी नेमत मिल गई, लेकिन जो नहीं मिला उसी का रोना रोती है। मर्द हजरात बहुत सारी नेमतें मिल गई, पर जो नहीं मिला उसी का रोना रोते रहते हैं। हर हर नेमत की एक वैल्यू है, उस नेमत की वैल्यू को समझो। गालिबन हसन बसरी रहमतुल्लाह वो किसी दावत में गए, और वहां पर कोई सूफी टाइप लोग होते थे ना जिनको दीन का बहुत नॉलेज नहीं है, अपने जज्बे के एतबार से बहुत मुसलमान होते थे पर दीन का नॉलेज ज्यादा नहीं होता था, और ऐसे लोगों ने बहुत सारी गुमराहियां फैलाई हैं। तो कोई सूफी टाइप बंदा भी वहां पर आया था जिनको अब्बाद उस जमाने में कहा जाता था, तो वो भी आया हुआ था। तो दावत में कोई खास तरह का हलवा दिया गया, अब हजरत मसरी ने तो खा लिया, लेकिन वो जो एक सूफी साहब आए हुए थे उन्होंने हलवा खाने से इनकार कर दिया कि मैं हलवा नहीं खाऊंगा। तो उनसे पूछा गया कि क्यों नहीं खाएंगे हलवा, दावत है तो हलवा दिया गया तो खाना चाहिए। तो उन्होंने कहा ये बड़ा लजीज हलवा है, ये बड़ा आला मेयार का हलवा है, मुझे डर है कि अगर मैं इतना आला मेयार का हलवा खा लूंगा तो इसका शुक्र का हक नहीं अदा कर सकूंगा, मैं इसलिए हलवा नहीं खा रहा हूं क्योंकि ये बड़ा आला मेयार का हलवा है, अगर मैंने खा लिया तो मैं इसका शुक्र कैसे अदा करूंगा, तो इसलिए मैं नहीं खा रहा हूं। अब बजाहिर पहले मरहले में तो ये बात बड़ी जबरदस्त लगती है कि अरे भाई हलवा नहीं खाया ये सोच करके कि हलवे का हक मैं कैसे अदा करूंगा अगर खा लिया तो। हसन बसरी ने उस पर एक तालीक लगाई, ये हलवा नहीं खा रहे साहब क्योंकि इनको लगता है ये हलवे का अदा नहीं कर सकेंगे, हलवे की शुक्रगुजारी का अदा नहीं कर सकेंगे, ये जो ठंडा पानी पिया है क्या इस ठंडे पानी की शुक्रगुजारी का अदा कर सकते हैं? हलवा इसलिए नहीं खा रहे हैं क्योंकि हलवे की शुक्रगुजारी का अदा नहीं होगा, तो क्या ठंडे पानी हलवे से कम नेमत है? ठंडे पानी की नेमत का शुक्रिया कैसे अदा करोगे? हाँ, अगर किसी नेमत को आप नेमत समझ ही नहीं रहे हैं तो दिल में शुक्र का जज्बा कैसे पैदा होगा? पहला मरहला यही है, और हम लोग आमतौर पे इस पहले मरहले में ही फेल हो जाते हैं कि अल्लाह ने जो कुछ दिया है ना उसकी कोई वैल्यू ही नहीं समझते। अल्लाह ने शौहर दिया है बीवी को, वल्लाही बहुत सारी औरतें शौहर की नाकदरी करती हैं, उनकी वैल्यू नहीं समझती हैं। आप उन औरतों को देखें जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, कितना परेशान है। अल्लाह ने आपकी शादी कर दी, शौहर दे दिया, शौहर है आपको, बीवी मिल गई, कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। औलाद मिलती अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, उन लोगों को देखिए जिनको औलाद नसीब नहीं हुई। आपके सर पे एक छत है, अगरचे आप किराए के घर में रहते हैं, कितनी बड़ी नेमत है। कितने लोग दुनिया में जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, फुटपाथ पर सोते हैं। अल्लाह ने आपको सेहत दी है, अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। कितने आप जब इस वक्त अपने घर पे आराम की सांस ले रहे होते हैं, बिस्तरे मर्ग पे लोग तड़प रहे होते हैं, मरीज अपने बिस्तरों पर करवट बदल रहे होते हैं जब आप सुकून की नींद सो रहे होते हैं। नेमतों को समझें, एक एक नेमत, इतनी नेमतें हैं कि हम अल्लाह ताला की नेमतों गिन ही नहीं सकते। असबग अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिना, गोया कि अल्लाह ने उंडेल दी है अपनी नेमतें तुम पर। ला तउद्दू ने फरमाया कि तुम लोग अल्लाह ताला की नेमतों को शुमार नहीं कर सकते। तो पहले नेमत की वैल्यू समझना, शुक्र में पहली चीज क्या है कि नेमत की वैल्यू को समझे। दूसरा क्या है, अल्लाह ताला जो नेमत को देने वाला है एतराफ करें। नेमत की अहमियत समझ में आ गई, अब घमंड नहीं करें कि मैंने अपनी ताकत से कमाया, नहीं। जैसे जो है वो जैसे कुरान मजीद में बताया ना, नाशुक्र लोगों का जज्बा, इन्नमा उती तो अला इल्म, कि मैं अपनी ताकत से कमा लिया, नहीं, तुम्हारी ताकत का नतीजा नहीं है, तुम्हारे जोरे बाजू का नतीजा नहीं है, ये अल्लाह के देने से मुझको मिली है। एतराफ करना कि ये मेरी ये नेमत अगर अल्लाह नहीं देता तो नहीं मिल सकती। कोई भी नेमत, इल्म की नेमत, हिदायत की नेमत, वमा कुन्ना लिनहतदी लौला अन हदाना अल्लाह, हमें हिदायत पर हूँ, अल्लाह नहीं देता तो हिदायत नहीं मिलती मुझको। माल है, अल्लाह ने दिया तो मिला, जमाल है, अल्लाह ने दिया तो मिला, ओहदा है, अल्लाह ने दिया तो मिला, लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ताला ने मेरी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दी तो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, लोग मेरी इज्जत करते हैं क्योंकि अल्लाह ने उनके दिलों में मेरी इज्जत डाल दी है। हर नेमत पर एतराफ करना अल्लाह का, अल्लाह की हमद करना, ये दूसरा रुकन है। तीसरा रुकन कि जो शख्स इस नेमत के मिलने का सबब बना है उसका भी एतराफ किया जाए कि ये नेमत मुझे फला से मिली, मेरे वालिदैन से मिली है,
तो अगर मैं वालदेन का शुक्र गुजार नहीं तो मैं अल्लाह का भी शुक्र गुजार नहीं। अल्लाह ने फरमाया मल्ला यश्कुरी नास ला यश्कुरी अल्लाह, जो बंदों का शुक्र गुजार नहीं वो अल्लाह का भी शुक्र गुजार नहीं। आपका शोहर है मेहनत कमा करके आपको हलाल कमा करके ला के दे रहे हैं, अगर आप शोहर की शुक्र गुजार नहीं तो आप अल्लाह की भी शुक्र गुजार नहीं। अपने शोहरों का शुक्रिया अदा करें। हाँ, ऐसे जमाने में जब कदम कदम पर बंदे को हराम माल का सामना है और महंगाई आसमानों पे पहुंची हुई है, अगर आपका शोहर दो वक्त की हलाल रोटी आपको फराहम कर दे रहा है, आपको उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको ऐसा शोहर दिया है जो महंगाई के इस दौर में, जब एक तो महंगाई इतनी आसमानों को छू रही है, ऊपर से कदम कदम पर हराम माल कमाने की जाल बिछे हुए हैं, ऐसे में अगर बंदा बच बचा करके अपने आप को और हलाल कमाई आपको फराहम कर रहा है, हलाल की रोटी आपके मुंह में डाल रहा है, ये बहुत बड़ा उसका एहसान है, उसको शुक्रिया अदा करें। अगर शौहर अपनी बीवी का शुक्रगुजार नहीं है, वो अपने माँ बाप को छोड़ करके, अपने मोहब्बत करने वाले भाई बहनों को छोड़ करके आपका घर आकर के बसा रही है, आपके बच्चों को पालती पोसती है, आपके घर का ख्याल रख रही है, अगर आप बीवी की शुक्रगुजार नहीं तो आप अल्लाह की शुक्रगुजार नहीं। लोगों का भी शुक्रिया अदा करें, ये भी जरूरी है। लेकिन फरमाया जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता, वो जो एक हमारे मुंबई में एक मिजाज है ना, अल्लाह तूने दिया मैंने खाया, किसी के बाप का नहीं खाया, वो मिजाज नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला ने दिया, बंदों के जरिए से दिया, तो बंदों का भी शुक्रिया अदा करो। ये तीसरी चीज है। चौथी चीज कि अगर अल्लाह ने कोई नेमत दी है, उस नेमत को वैसा इस्तेमाल करो जिससे अल्लाह ताला खुश होता है। अल्लाह ने आंखें दी है, अल्लाह ताला की नेमत है, आंखों का इस्तेमाल वैसे करो जिससे अल्लाह खुश होता है, अल्लाह ताला खुश हो, ऐसे आंखों का इस्तेमाल करो। आंख दी अल्लाह ने, तुम फिल्में देख रहे हो, तुम फहश चीजें देख रहे हो, ये सबसे बड़ी नाशुक्री है। अल्लाह की दी हुई नेमत का अल्लाह ही की नाफरमानी में इस्तेमाल करना। अल्लाह ने हाथ दे दिया, ताकत दे दिया, तुम जुल्म करने लगे हो, तुम चोरी करने लगे हो, तुम डाकाजनी करने लगे हो, तुम बीवी बच्चों की पिटाई कर रहे हो जुल्मन, अपने मातहतों पे हाथ उठा रहे हो जुल्मन, तो ये अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी नहीं है, ये अल्लाह की शुक्रगुजारी के खिलाफ एक बात है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों को अल्लाह रब्बुल आलमीन की फरमा बरदारी में इस्तेमाल करना, अल्लाह को खुश करने के लिए इस्तेमाल करना, नेमतों को ऐसे यूज करना जिससे अल्लाह राजी हो, ये भी शुक्रगुजारी। और पांचवी शुक्रगुजारी का तकाजा ये है कि अगर किसी से फितने का खौफ नहीं है, हसद का खौफ नहीं है, तो उन नेमतों को बयान भी करना चाहिए। अल्लाह ने फरमाया वह अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिथ, अल्लाह की नेमतों को बयान करो, अल्लाह की नेमतों का जिक्र करो। कब? अगर कहीं पे फितने का डर है कि आपने कोई नेमत अल्लाह ताला ने आपको दी है और आपके दुश्मन को नहीं पता है और आपने बयान कर दी, वो उस नेमत को छीनने के कगार पे चला जाएगा, फितने का खौफ है, मेरे घर में बहुत जेवर रखे हुए हैं, मैं बोल दूं कि मैं है नहीं, मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके घर में बहुत सारा जेवर रखे हुए और आप सोचें कि अल्लाह ताला ने कहा है अपनी नेमत बयान करो, तो आप मोहल्ले में ही सबको बता दें कि मेरे पास इतने तोले जेवर मैंने रखे हुए हैं, तो पता चला कोई डाकू आकर के आपका घर ही लूट ले, तो ऐसे अल्लाह ताला का नेमतों का जिक्र नहीं करना है। तकब्बुर में नेमत का जिक्र नहीं करना है कि इसलिए जिक्र करें ताकि लोग आपको बड़ा समझने लगे, आपकी बड़ाई हो। हसद का अगर खौफ है तो अल्लाह की नेमत का जिक्र नहीं करना है कि आप जिक्र करेंगे तो हासिदीन हसद करने लगेंगे। हसद और फितने से अगर कोई खौफ नहीं है, तकब्बुर में आदमी नहीं बयान कर रहा, सिर्फ अल्लाह की नेमत का जिक्र करने के लिए बयान कर रहा है, तो शुक्रगुजारी का तकाजा ये भी, अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिथ, अल्लाह की नेमतों को बयान करो, अल्लाह की नेमत की तहदीस करो, लोगों के सामने अल्लाह की नेमतों का जिक्र करो। तो ये पांच चीजें मिलकर के शुक्र बनती हैं, यानी पांच ये एलिमेंट्स हैं पांच शुक्र के। पहला, नेमत का की वैल्यू को समझना। दूसरा, नेमत देने वाला जो अल्लाह है उसका एतराफ करना। तीसरा, जो शख्स उस नेमत के मिलने का सबब बना है, जैसे मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लम कुरान की नेमत मिलने का सबब बने, तो अल्लाह के रसूल सल्लम का भी शुक्रगुजार होना। और चौथा, नेमत को ऐसा इस्तेमाल करना जिससे नेमत देने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन खुश हो। और पांचवा, जब खौफ ना हो फितने का या हसद का, तो उस नेमत का जबान से जिक्र करना। ये पांच चीजें जमा होती हैं तो बंदा शुक्रगुजार बनता है। अल्लाह का शुक्र वाजिब है क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया वश्कुरू ली, मेरा शुक्र अदा करो, तो अल्लाह का शुक्र वाजिब है। वला तकफुरून, और मेरी नाशुक्री मत करो। आप देखिए शुक्र की अजमत में, ये भी कड़ी अजीम दलील है ना। ईमान का जिक्र, ईमान की अपोजिट क्या आती है? कुफ्र। और शुक्र की भी अपोजिट क्या आती है? कुफ्र। तो गोया कि ईमान और शुक्र दोनों एक दर्जे के।
क्योंकि शुक्र के अपोजिट भी कुफ्र और ईमान के अपोजिट भी कुफ्र, तो इसका मतलब शुक्र और कुफ्र आपस में एक दूसरे के हम माना है। ईमान सबसे बड़ा शुक्र है, शुक्र गुजार सबसे बड़ा शुक्र है कि बंदा अल्लाह पे ईमान लेकर के आ गया, और शुक्र ईमान का आला तरीन दर्जा है। शुक्र जो है क्या है, वो ईमान का सबसे आला तरीन दर्जा। उलमा का इस बात में बड़ा इख्तिलाफ और बड़ी बहसें हैं कि शुक्र ज्यादा बड़ा दर्जा है या सब्र ज्यादा बड़ा दर्जा है। अभी इंशाअल्लाह ताला शुक्र के बाद अगली आयतों में सब्र का जिक्र आएगा इंशाअल्लाह ताला, इस्तईनु बिस्सब्र वस्सला, तो हम सब्र पर भी बात करेंगे। पर एक लंबी बहस हुई है कि शुक्र बड़ा दर्जा है या सब्र बड़ा दर्जा है। कुछ उलमा कहते हैं शुक्र बड़ा दर्जा है, कुछ कहते हैं सब्र का दर्जा बड़ा है, कुछ कहते हैं दोनों बराबर है। बहरहाल कोई भी एक चीज बड़ी हो, लेकिन जब हम ये देखते हैं कि शुक्र और ईमान ये दोनों मुतरादिफ हैं, तो सही बात ये समझ में आती है कि शुक्र का दर्जा सब्र के दर्जे से भी बड़ा है। और भी दलील इंशाल्लाह ताला आगे आएंगे। तो ईमान वालों का सबसे बड़ा दर्जा है कि वो शुक्रगुजार होते हैं, इसलिए क्योंकि ये कोई आसान चीज नहीं होती है। अल्लाह ताला ने फरमाया कलीलुम मिन इबादी शुकूर, मेरे बंदों में बहुत कम बंदे हैं जो शुक्रगुजार हैं, मेरे बंदों में बहुत कम बंदे शुक्रगुजारी के दर्जे पे पहुंच पाते हैं। कोई छोटी चीज नहीं आसानी से हासिल हो जाएगी, बड़ी मेहनत करके बंदा उस दर्जे पे पहुंच जा पाता है जिसको शुक्र का दर्जा कहा जाता है। आसान चीज नहीं है, बहुत आला तरीन दर्जा है। इसलिए कम ही बंदों के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि कम बंदे शुक्रगुजार हो पाते हैं। बाद सलफ दुआ करते थे अल्लाह ताला मुझे अपने कम बंदों में शामिल फरमा ले। चीज क्योंकि बड़ी है, उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हर गुनाह शुक्र के खिलाफ है। क्योंकि कोई गुनाह आप ऐसा नहीं कर सकते जिसमें अल्लाह की किसी नेमत का आपने इस्तेमाल ना किया हो। आप गुनाह करने के लिए भी अल्लाह की नेमतों के मोहताज हैं, और जब गुनाह करते हैं आपका शुक्र का लेवल नीचे आ जाता है, इताअत करते हैं शुक्र का लेवल बढ़ जाता है। और बहुत शुक्रगुजार बंदा जिसको कहा जाता है ना कम बंदे, इन्नहु काना, अल्लाह ने फरमाया कि फला फला मेरे बंदे ये मेरे शुक्र बंदे हैं, शुक्रगुजार बंदे हैं। तो अल्लाह ने फरमाया मेरा शुक्र करो और मेरी नाशुक्री मत करो। सूरह बकरा की आयत नंबर 152 है, इस पर हम लोग आज का दर्स खत्म करते हैं। इंशाअल्लाह ताला अगली आयत से हम लोग अगले दर्स में गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपना शुक्रगुजार बंदा बनाए, कसरत से जिक्र करने वाला बंदा बनाए। ठीक है, वक्त हमारा काफ़ी हो गया, आज का दर्स इसी पे इख्तिताम करते हैं। सुभानअल्लाहि बिहम्दिही, सुभानकल्लाहु बिहम्दिही का अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका वअतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।